हम एनाटमी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो दोनों टेस्टिकल है वो सेम नहीं है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। फाइव सेंटेंस के बाद आपको स्टैमरिंग हो रही है, लाइक आई विल से कि माय नेम इज डॉक्टर समर, मतलब मैंने माय नेम इज डॉक्टर समर फाइव वर्ड्स बोल दिए, मतलब फोर टू फाइव वर्ड्स के बाद, देन इट इज एक्सेप्टेबल, इट्स माइल्ड स्टैमरिंग। सबसे मेन क्वेश्चन जो मुझे डेली सुनने को मिलता है डीएनएस एविएटेड नेजल सेप्टम, उसमें क्या होता है जो नाक के बीच की हड्डी है थोड़ी सी वो एकदम स्ट्रेट की बजाय वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ट्रोमा हो गया, तो ना आपके कान के पर्दे में इंजरी हो गई। ओके, तो उस केस में क्या कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, जाता है कि आपके इयर्स जो शेप है उनकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी निकाल दें वो पता नहीं चला कि कलर ब्लाइंड भी है वो नहीं। तो सर इसके लिए मेरा एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, अगर उनको कलर ब्लाइंड चेक करना है, इशारा बुक इज अवेलेबल एट यू कैन से कि जो भी सप्लायर्स होते हैं मेडिकल स्टोर्स होते हैं आपको मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये है कि आपको रीअकरेंस के चांसेस हो सकते हैं अगर हर्निया आपको डिटेक्ट हो गया ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली यू विल बी रिजेक्टेड। पाने कोई दिक्कत नहीं है, देन योर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। हां कोई दिक्कत नहीं। और आई थिंक ये सेम केस हेमोरॉइड्स और पाइल्स के उसमें भी होगा, राइट? हां उनका भी सेम यही केस है सर, मतलब वेरिकोस वेन का तो स्ट्रिक्टली यही रूल है जो मैं बोलूंगा रिजेक्शन, रिजेक्शन है। बाकी ये जो हर्निया है, पाइल्स है और हेमोरॉइड्स है, इनका तो टेम्परेरी रिजेक्शन है, आपका रीमेडिकल होगा, दोबारा आके आप हो सकता है। घर के खाने में आप अपना जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसको ऐड करें, जितनी भी आपकी ये दाल हो गई, जितनी भी दाल राजमा हो गए छोले हो गए ये ऐड करना है। देन उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इट्स बेटर टू गो फॉर एग्स, बॉइल्ड एग्स, चिकन। अभी चिकन भी नहीं कि हाँ आपने चिकन बनाया तो उसमें एक किलो बटर डाल दिया, इट शुड बी बॉइल्ड। अब मैंने भी अपने टाइम में जब रिव्यू होता तो ऐसे किया। मैं राज शेरान, एक्स एनर्जी एक्स कोबरा ऑफिसर। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण इसमें चीजें हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये पॉडकास्ट सारे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत आई थिंक आई मस्ट से कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और आज हमारे साथ एक जो पर्सनैलिटी बैठे हैं हमारे साथ, उनका नाम है डॉक्टर समर, और ही इज बेसिकली अ मेडिकल ऑफिसर वर्किंग इन CRPF एंड करंटली पोस्टेड इन कश्मीर। तो ये ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी एंथुजियाजिक वो हैं इंसान है अपने आप में, और इनके बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। ये अपना खुद का एक YouTube चैनल भी चलाते हैं, उनके डिटेल्स हम इनसे खुद ही लेंगे, बट इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डॉक्टर समर SMC गाजियाबाद से पढ़े हैं, इन्होंने MBBS SMC गाजियाबाद से की है, उसके बाद इन्होंने NCR के काफ़ी रेपूटेबल और फेमस हॉस्पिटल से अपनी फेलोशिप और इंटर्नशिप वगैरह की है, और बहुत मतलब काफ़ी सारे हॉस्पिटल काम करने के बाद दैन लेटर ऑन रिलाइज हुआ कि नहीं यार फोर्स में चलता हूँ, वहाँ का भी खाना चख लिया जाए। तो लेटर ऑन ही लैंडेड इन CRPF। तो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से ये CRPF में कार्यरत हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी इनके एक्सपीरियंस के बारे में अब अपनी से हम पूछेंगे। सो वेलकम डॉक्टर समर। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज। अरे प्लेजर इज माइन बड़ी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एज अ फोर्स मेंबर, पहले आप राइट पहले सिविल में एज अ काम कर रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, नाउ यू आर एंटर्ड फोर्स वियरिंग यूनिफॉर्म, तो अभी कैसा लग रहा है आपको एज अ फोर्स में मेडिकल ऑफिसर काम करना? इट्स अ वेरी रेप्यूटेड जॉब सर। अगर मैं कंपेयर करूँ एज ए सिविल डॉक्टर एंड ए फोर्स डॉक्टर, सो एक यूनिफॉर्म का तो सर प्राइड है सर। ओके नाइस। बिकॉज एक यूनिफॉर्म के साथ आप बाहर निकलते तो सर एक अलग ही रिस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए सिविल डॉक्टर वो मैच नहीं हो सकता। ओके तो जो आपके बैचमेट्स वगैरह होंगे और आप में तो कभी कुछ डिस्कशन तो होता होगा, राइट? या सर देखो प्रोज एंड कॉन्स आर एवरीवेयर। ओके वो तो अपने अपने माइंडसेट की बात है कि अगर आप कॉन्स ढूंढेंगे तो आपको कॉन्स ही नजर आएंगे, राइट? अगर आप प्रोज ढूंढेंगे तो आपको प्रोज ही नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको तो प्रोज नजर आ रहे हैं, राइट? अभी सर प्रोज है सर, यस सर। चलो नाइस नाइस। तो अभी आई मीन आप कहां पर पोस्टेड हैं? सर अभी एक्चुअली आई एम एट कश्मीर। ओके सिंस 3.5 इयर्स, ऑलमोस्ट 4 इयर्स आई एम सर्विंग ओवर हियर, यस सर। ओके ओके नाइस। तो अभी मतलब क्या-क्या ड्यूटीज रहती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल आपको जो मेडिकल वाला है, उसके अलावा कुछ और भी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं आपके? सर ड्यूटीज बीइंग एट कश्मीर इज वेरी चैलेंजिंग। ओके अपार्ट फ्रॉम आपको पता, मतलब आपको पता नहीं कि आपको कब कॉल आ जाए कि यहाँ इंसिडेंट हो गया है, okay. या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई ट्रॉमा हो गया है, okay. या कुछ मिस हैपनिंग हो गया है, सो लाइफ टोटली चैलेंजिंग रोल। ओके ओके तो मतलब कुछ भी चल रहा हो तो आपके एरिया में कोई भी वारदात वगैरह होता है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है? यस 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 डेफिनेटली। चलो
और बाकी मैं ऐसा एक सवाल पूछूं कि एज अ मेडिकल डॉक्टर हाउ इज लाइफ इन इन फौज इन जनरल और इन सीआरपीएफ पर्टिकुलर, कैसी है? आप कैसे मतलब उसको रखेंगे? आई थिंक अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, टू ओके बी फ्रैंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने मुझे सीनियर ऑफिसर्स मिले, सबसे मेरा एक अच्छा फैमिली बॉन्डिंग रहा, फैमिली रिलेशन रहा है, तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, यू कैन सर्वाइव एनी वेयर। राइट राइट एब्सोल्युटली, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर आप काम से भागेंगे और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो फिर आपको पता ही है सर। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। यस और मुझे लगता है डेफिनेटली कि जैसे लोग बोलते भी हैं कि बॉस तो बेसिकली वो है ना कि एक फैमिली की तरह रहते हैं। यस डेफिनेटली सर। मान लो देखा जाए तो 9 months वी आर इन द यूनिट, जाते तो हम घर 3 महीने के लिए ना सर, तो बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल, तरह से यही फैमिली है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली वाला बन ही जाता है। मतलब ये चीज़ें प्राइवेट या जो आप जॉब कर रहे होंगे पहले, वहाँ सभी सब चीज़ें मिसिंग होंगी, राइट? यस 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 वहाँ तो बस वही है कि आपको जाना है, काम करना है और आना है बस। किसी को कोई मतलब नहीं है, ना ना ना, आपको वहाँ क्या दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, दोस्त राइट बनाने पड़ते हैं, बट यह है कि सब आपका एक फैमिली है, परिवार है, तो आप सबसे बात भी कर सकते हैं, राइट अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट सो मेनी सीनियर ऑफिसर्स, बहुत अच्छे हैं दिल के, तो सबसे अच्छा बॉन्डिंग है, बन नाइस, जाता है। बिल्कुल। मतलब वो ये कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। यस 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 नहीं नहीं नाइस, गुड गुड। सो समर, बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस पॉडकास्ट का एक एक दूसरा पहलू ये भी था कि हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती थी रिगार्डिंग द मेडिकल, जो सीएपीएफ में होता है और डिफेंस फोर्सेज में जो भी होता है। तो लोग यस सर स्टूडेंट्स के और एस्पिरेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, मेडिकल डाउट्स रिगार्डिंग कि सर डेफिनेटली मेरी आई साइट इतनी है, क्या मैं एक्सेप्टेबल हूँ, सर मेरे नीज है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, और ठीक मेरा है। बैक फुट है, मेरा कैरी एंगल है, और मेरे स्वेटिंग हाथों में वो स्वेटिंग का भी वो रहता है ना, स्वेटिंग हाँ यस सर वो है, एक डेंटल पॉइंट्स का भी कुछ कुछ होता है, राइट? ठीक है। हाँ सर हाँ तो कोई नहीं, मैं वो ये कि एक एक करके सारा मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आप डिटेल में बताना और उसके अकॉर्डिंग विल रोल। बिल्कुल मतलब आई विल ट्राई टू कवर इन ए सिंपलेस्ट वे और बिल्कुल मैक्सिमम की लोगों को समझ आ जाए। हम बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, डेप्थ में नहीं जाएंगे, साइंटिफिक वे में हाँ जाएंगे, राइट राइट जनरल एंड मोटा मोटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यस बेसिकली हमें वही है कि जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, बस एक बेसिक उनका यस अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी एस्पिरेंट अपने लेट्स हम सीएपीएफ का लेके चलते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पर सीएपीएफ लेके चलते हैं, या कोई भी अपने मेडिकल एग्जाम के लिए जा रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए पहले जाने से पहले? सर सबसे पहले तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई एस्पिरेंट जा रहा है सीएपीएफ अपना मेडिकल के लिए, अगर उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है, मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपको वो रिकॉर्ड्स अपने साथ लेके जाना है। अगर मान लो उसका कोई सर्जरी हुआ है या उसको कुछ ऐसा मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो ऑलवेज कैरी योर मेडिकल रिकॉर्ड्स विद यू। ओके ये कैंडिडेट्स कभी कभार सोचते हैं कि ठीक है पता नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी पता चल जाती है एक मेडिकल ऑफिसर को। राइट 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 मेडिकल रिकॉर्ड्स अपना लेकर जाइए। अगर आप स्पेक्स लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे पॉडकास्ट में, तो मैं उसके रिगार्डिंग बताऊंगा कि अगर आपको स्पेक्स है, आपका विजन है, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके जाइए, ओके मतलब ऑल रिकॉर्ड्स विद। जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी आपके साथ कुछ हुआ है या कुछ चल रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाइए वहां पर। यस यस डेफिनेटली सर, आप छुपा नहीं सकते। ओके लेट से कि मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई थी, उस पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, वो एक फ्रेश कंसल्टेशन किसी भी स्पेशलिस्ट से अपने आसपास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा सकता है, अच्छा मतलब उसी सारा हिसाब से जो कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट असर, है। मतलब हाँ ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हो या? नहीं, अगर प्रेफरेबली अगर मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके ओके यस ओके, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन दोबारा बनवा ले अपने। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन दोबारा बताए, अपना केस जो भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो सब होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की होनी चाहिए, कि उसमें लिखा होना चाहिए कि यह इज द केस ऑफ पोस्ट सर्जरी, कोई भी सर्जरी आप लगा लेते हैं, तो देन उसका पूरा रिकॉर्ड साथ में होना चाहिए। ओके 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 ठीक। यस सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फोर्सेस में हाइट और वेट का भी एक रेशो चलता है, राइट? आप कितनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए आपका, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, और बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसके रिगार्डिंग? सर देखो, सीएपीएफ अगर मैं बात करूँ सीएपीएफ एसी कैंडिडेट्स के लिए, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज 165 सेंटीमीटर, आई रिपीट 165 सेंटीमीटर, बिल्कुल एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज 157 सेंटीमीटर।
राइट अगेन आई रिपीट 157 सेंटीमीटर तो दैट इज रिगार्डिंग द हाइट एंड वेट की बात करें तो सर वेट इज अकॉर्डिंग टू BMI तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा एक जो मैंने मतलब आपको मिल भी सकता है अगर आपको नॉर्मल अपना वेट जानना है एज पर BMI टेक योर हाइट इन सेंटीमीटर्स लाइक आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर ओके माइनस 100 तो 70 आपका वेट होना चाहिए 70 इज आइडल वेट ओके अगर मान लो आपका हाइट 180 सेंटीमीटर है देन माइनस 100 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ओके इसमें मेरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जैसे हमारे उसमें मेडिकल उसमें BMI का यूज ज्यादा करते हैं ये मेरे साथ थोड़ा हमेशा दिक्कत रही है कि मेरे साथ नहीं काफी लोगों के साथ भी दिक्कत मतलब हो सकती है कि वो बोन डेंसिटी ज्यादा होता है यस सर तो उसकी वजह से उनका क्या है कि कमर उनकी बहुत कम है मतलब फैट नहीं है मसल नहीं है बट वेट ज्यादा है तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है वेट रिड्यूस वगैरह करने में सर देखो उसमें उस केस में क्या होता है कि आपका बोन मास इंडेक्स चेक किया जाता है ओके उस केस में बोन मास इंडेक्स और बोन मास डेंसिटी चेक किया जाता है ओके अगर आपका पता लग रहा है कि हाँ आपकी फ्रॉम बर्थ योर बोन इज थिकर यू हैव गॉट मसल व्हाट मसल मास बट नॉट फैट देन इट्स एक्सेप्टेबल बट उसके लिए भी क्या होता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड बैठता है ओके ओके मतलब लेट्स से कोई ऐसा कैंडिडेट आता है वो वैसे बहुत फिट है बट उसका उस टाइम उसको रिजेक्ट कर देंगे बट रिव्यू मेडिकल दोबारा होगा पर उसका रिव्यू मेडिकल बोर्ड में सर तो वो बॉडी चेक करेगा या उस बंदे को कुछ करना होता है फिर सर एक्चुअली कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा बताई जाती है ओके तो वो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद वो रिपोर्ट्स देखी जाती है उससे क्लैरिफाई किया जाता है कि ही इज फिट बट नॉट फैट ओके अगर वो कंडीशन निकल के आ रही है तो देन इट इज एक्सेप्टेबल ओके 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 ठीक है ओके सो नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड फिजिकल स्टैंडर्ड से कि चेस्ट मेजरमेंट का उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कराने का वो रहता है तो एक तो वो क्यों कराते हैं और उसके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के लिए तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए सर इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चेस्ट मेजरमेंट में क्या होता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स फॉर मेल्स द मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट इट शुड बी 81 सेंटीमीटर राइट मतलब जो मिनिमम चेस्ट आपका मेजर किया जाता है थ्रू नॉर्मल मेजरिंग टेप से नॉर्मल आप ऐसे नॉर्मल खड़े हैं देन मेजरिंग टेप से आपका ये मेजरमेंट किया जाता है इट शुड बी मिनिमम 81 सेंटीमीटर ठीक एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इस 5 सेंटर में मिनिमम यू कैन से 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर ओके और उसके बाद क्या होता है आपको डीप इंस्पिरेशन लेने के लिए बोला जाता है फिर उसके बाद मेजर किया जाता है चेस्ट एक्सपेंशन के लिए हाँ तो सर इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है सर टू चेक आउट योर लंग कैपेसिटी एंड आपका रेस्पिरेटरी फंक्शंस अगर मान लो आपका चेस्ट एक्सपेंशन ही अच्छा नहीं है कल को आपको आपको पोस्टेड कर दिया जाता है हाई अल्टीट्यूड एंड हार्श एनवायरमेंट में ओके लाइक इन लेह लद्दाख यू आर पोस्टेड सो इफ योर लंग कैपेसिटी इज नॉट गुड आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो हाउ यू कैन सर्वाइव एंड हाउ यू कैन सेव योर ट्रूप्स राइट This is the main significance of chest expansion. तो जिन लोगों का नहीं हो पाता 5 सेंटीमीटर नहीं कर पाते उनके लिए क्या कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस वगैरह हैं क्या कर सकते हैं वो सर उनके लिए बेसिकली अपना सबसे पहले तो वो स्पायरोमेट्री करवाइए स्पायरोमेट्री इज ए टेस्ट मतलब आप अपना नॉर्मल चेस्ट फिजिशियन के पास जाइए अपना स्पायरोमेट्री करवाइए उसमें डिफरेंट वैल्यूज है आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी आएगा पोस्ट एक्सपायरेशन वाइटलेशन इन 1 सेकंड वो ऑल ऑल डिफरेंट वे हम थोड़ा साइंस साइंटिफिक नहीं जाएंगे बट एक मोटा मोटा उसमें आपका कंडीशन पता चल जाएगा कि आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं राइट देन उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसको फॉलो करना है देन वो एक आता है पंप आता है बॉल्स वाला 3 बॉल्स वाला okay. आप उसको फॉलो कीजिए वो एक्सरसाइज कीजिए तो उससे यह कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है ओके okay. बाकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ फिजिकल एक्सरसाइज में यही है कि सर अपना आपको लंग का स्टेमिना बढ़ाना है तो इट मीन्स आपको डेली रनिंग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है okay. अगर आप डेली रनिंग इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लंग्स का जो एक्सपेंशन है वो अच्छा हो जाएगा ओके मतलब इसके साथ रनिंग के साथ आप पुशअप वगैरह साथ में ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़े लंग्स की राइट यस सर ओके ठीक सो नाउ कमिंग टू क्या कहते हैं अनदर पार्ट रिगार्डिंग आईज आईज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा चश्मा है मेरा -4D है ये है तो आप थोड़ा यार उसके ऊपर हाईलाइट करें कि मतलब स्टैंडर्ड क्या है और एक्सेप्टेबल रेंज क्या है दोनों तरफ सर बेसिकली आई साइट में क्या है अगर 6x6 मतलब उसमें आपको स्नेलल चार्ट पे सामने देखना होता है वो मतलब मोटा मोटा दूर से आपको
अल्फाबेट्स पढ़ने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो विजन है वो दिया जाता है। तो इट कैन बी जो मैक्सिमम अच्छा जो कहा जाता है दैट इज 6x6। अगर आपका 6x6 है इन बोथ आईज देन सोने पे सुहागा, राइट? ठीक है, 6x6 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि कई सारे डाउट्स स्पेक्स को लेकर कि मेरा 6x12 है 6x9 है। तो सिंपल सा फंडा ऐसा जो क्लियर कर रखा है, अगर आप राइट हैंडेड है तो दिस इज योर राइट आई, वो आपकी बेटर आई है। ओके, ठीक, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट आई इज योर बेटर आई। ठीक, ओके, तो अगर आपका 6x6 नहीं है विजन बट अगर एक्शन के बाद आपका बेटर आई में 6x6 आ रहा है तो देन इट इज परफेक्ट। ओके, ठीक, इररिस्पेक्टिव वर्स आई भी है, यस सर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ की आपका क्या बोलते हैं 6x12 है या कितना भी है, मास्टर आई आपकी ठीक है तो आफ्टर करेक्शन मास्टर आई अगर आपकी स्पेक्स लगाने के बाद 6x6 आ रहा है दैट इज परफेक्ट। ओके, चाहे वो कितना भी है। हाँ, मतलब उसका भी सर पावर है, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। ओके ओके, बट ये है कि वो 6x6 हो जाना चाहिए। ओके, और वर्स आई में अगर देखा जाए दिस इज माय मास्टर आई दिस इज माय वर्स आई, तो ये भी करेक्शन के बाद 6x9 होना ही चाहिए। ओके ओके, इसका विजन भी ओके। और आप वो जो आप पावर की बात बता रहे थे वो सर पावर में क्या है, देखो -4 डायोप्टर अगर आपकी दूर की विजन खराब है, ओके, उस केस में -4 इज द लिमिट। अच्छा, उसके नीचे नहीं, -4 डायोप्टर इज द लिमिट, उसमें बोथ आ गया आपका स्फेरिकल भी और सिलेंड्रिकल भी। अब ऐसा नहीं कि -4 स्फेरिकल -4 सिलेंड्रिकल तो टोटल हो गया -8, तो ये बहुत डाउट्स है, मुझे भी यूट्यूब पे ये सवाल आता रहता है, बोथ इंक्लूडिंग स्फेरिकल एंड इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल बोथ -4 डायोप्टर। और अगर आपकी पास की नजर कमजोर है देन मैक्सिमम लिमिट इज 4 डायोप्टर फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो इसमें एक क्वेश्चन और भी होता है लेसिक सर्जरी वाला, तो उसके ऊपर क्या है, मतलब लेसिक सर्जरी कब कब तक करा लेनी चाहिए, उसके बाद कब नहीं करानी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, मतलब टेक्निकल्स क्या है उसके थोड़े से। सर लेसिक सर्जरी में मैं वही बात बोलूंगा, अगर देखो -4 डायोप्टर है तो आपने स्पेक्स लगवा के आपने अपनी विजन करेक्ट करवा ली। ओके, अगर बात करते हैं -4.5 डायोप्टर, मतलब 0.5 डायोप्टर भी अगर आपका निकल रहा है देन यू आर नॉट फिट। ओके, तो एक रेंज रखी हुई है -4 to -6। ओके, ठीक, अगर आपका फोर्स मोटा मोटा 4 to 6 डायोप्टर तक रेंज रखी हुई है लेसिक सर्जरी के लिए फॉर डिस्टेंट विजन मायोपिया के लिए, तो उस केस में क्या है, जैसे आपका 4 से लेके 6 तक आ रहा है तो आप लेसिक करवा सकते हैं। ओके, बट कुछ कंडीशन है उसमें, अगर आप लेसिक करवाने जा रहे हैं आपकी एज जैसे जो क्राइटेरिया बताता है कि 18 to 35 years, बट मेरा मानना है कि 20 शुड बी मिनिमम एज। ओके, क्योंकि 18 के बाद ही आपका नंबर फिक्स हो पाता है। ओके ओके, तो 20 से लेके 35 एज इज द लिमिट। ओके, देन उसके बाद अगर आप लेसिक करवा रहे हैं तो आपका जो कॉर्नियल थिकनेस है दिस वन कॉर्नियल थिकनेस इट शुड बी 425 माइक्रोन। ओके, तो ये सब स्पेसिफिकेशन ये तो मेडिकल में चेक होता होगा बाद में। हाँ, ये आपको ये सब कंडीशन डॉक्टर को बताना है कि मैं ऐसे फोर्स में जाना चाहता हूँ तो ये सब कंडीशन है, तो उसी हिसाब से ही मेरी लेजिक सर्जरी की जाए। ओके, तो ये क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल कि किसी ने लेसिक करा लिया, आगे अपना मेडिकल में लेट्स उसका मेडिकल चला उसने नहीं डिस्क्लोज किया मैं लेसिक करा रखा, उसको पता चल जाएगा लेसिक करा रखा इसने? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वहाँ क्या जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है उनके पास है स्लिट लैंप। ओके, जैसे आपकी आईज रखेंगे स्लिट लैंप यूज करेंगे तो उसी टाइम आपका एक्सियल लेंथ पता चल जाएगा। ओके ओके ओके, तो एक्सियल लेंथ आपका 21 to 26 millimeter होना चाहिए। Okay. तो उसमें वो वैल्यू आ जाएगी, पता लग जाएगा कि आपने लेजिक करवा रखा है। ओके ओके ओके, और कॉर्नियल थिकनेस भी पता चल जाएगी, उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ, बट सर उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपने लेजिक सर्जरी मान लो आज करवाया है, मान लो सपोज मैं आज लेजिक सर्जरी करवा कर आया हूँ, तो मिनिमम 6 months आपका पीरियड होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर ए मेडिकल टेस्ट। ओके, रीजन भी सर उसमें क्या है कि मान लो लेजिक हुआ है, अगर कोई भी बॉडी का सर्जरी हुआ है एक स्कार हील होने में टाइम लगता है रिकवरी के लिए सर। ओके ओके, कुछ मिसकंसेप्शन लोगों में ये है कि अच्छा आज फॉर्म निकला है, अच्छा मेरा नंबर ज्यादा है मैं लेसिक करवा के कल चले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। ओके, तो मिनिमम 6 months शुड बी देयर। ओके ओके, यस सर, ठीक। सो ओके, इसमें क्या कहते हैं आईज में एक परमानेंट रिजेक्शन ये भी होता है कि कलर ब्लाइंडनेस वाला,
हाँ सर, कलर ब्लाइंडनेस में सर ऐसा है कि फाइव एक इशारा चार्ट होता है, उसकी फोटोज मैं आपको दिखा भी दूंगा सर। उसमें भाई डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, कलर में, राइट? हाँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों में मिसकंसेप्शन चल रहा है कि हमारा CP1 या CP2 नहीं है। बट अभी देखा जाए, एक रिसेंट गाइडलाइन आई है कि CP3 इज एक्सेप्टेबल। व्हाट इज CP1, CP3? आई डोंट नो क्या है ये. CP3 सर एक अपना जैसे 1 से लेके 25 तक प्लेट्स होती है, ओके. ठीक है, 1 से लेके 25 तक प्लेट्स होती है। और जो CP1 होता है वो तो मेन पायलट्स के लिए होता है, जो पायलट्स है, फ्लायर्स है, उनके लिए होता है CP1। अगर मेरा भी किया जाएगा टेस्ट, तो आई विल बी, मेरा नहीं लगता कि मुझे CP1 निकलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा, प्लेन उड़ाना नहीं है। तो राइट राइट राइट. इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, 1 से लेके 25 प्लेट्स होती है। ओके. तो उसी प्लेट्स को रीडिंग करने के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 से 18 तक पढ़ लिया, अब 18 से 21 तक आप पढ़ नहीं पाए, बट आपने 22 से 25 तक पढ़ लिया। ओके ओके, राइट जस्ट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो राइट इट मीन्स यू समझ. हैव गॉट CP2। ओके वैसे ही फिर मान लो CP3 में क्या होगा, आपने 1 से 16 तक पढ़ लिया, अब फ्रॉम 16 to 21 आपने नहीं पढ़ा, देन अगेन 25 से 25 प्लेट्स आपने रीड कर ली, ओके, तो इट मीन्स यू हैव गॉट CP3। मतलब अच्छा, ओके, हाँ मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि समझ गया कैंडिडेट्स को समझ समझ गया. आ जाए। ओके हाँ, ओके, तो और CP4 और CP5 में क्या, कुछ उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि लिखा क्या है, वो कुछ भी बोलेगा मतलब नंबर। ओके, तो यस, CP3 तक एक्सेप्टेबल है. अभी फिलहाल CP3 इज एक्सेप्टेबल, बाकी रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल बोर्ड, टू बी फ्रैंक। वो अपना हिसाब से टेस्ट लेंगे उसका, फिर वो है. वो सब कुछ करे, टेस्ट लेंगे, अच्छा हाँ कि सब कुछ फिजिकल फिटनेस मेंटेन्ड है, देन इट इज एक्सेप्टेबल। नहीं, बट उसमें ये भी देखेंगे कि वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा है, फिर तो वो उसको तो नहीं एक्सेप्ट फिर करेंगे. तो सब कुछ, हाँ फिर नहीं सब कुछ भी कर नहीं, सकते सर। बिकॉज मेरे साथ हुआ था कि मेरे साथ का एक लड़का था, क्योंकि हम फिजिकल दिया था हमने, और अगले दिन हमें मेडिकल के लिए बुलाया था. तो उसका और मेरा मतलब आइज का टेस्ट ये था कि आगे पीछे ही था. ठीक है, तो उसका क्या है, वो नॉर्मल आइज वो पढ़ने वाला हुआ, तो उसने बता दिया जो आई साइट के लिए होता है. जो फिर ना वो ठीक है, डॉक्टर हाँ बुलाया हम दोनों को, उसके लिए वही बुक होती है ना जो कलर वाली, जो इशारा बुक, हाँ हाँ सर हाँ, वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा था. उसको ठीक तो है। उसको पढ़ ही नहीं पा रहा था. मैं साथ में खड़ा हुआ था, तो मुझे मुझे दिख रहा था वहां से. मैंने कहा पढ़ क्यों नहीं पा रहा, मुझे तब तक पता ही नहीं था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में. हाँ ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि यार आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको. तो लड़का बोला मुझे तो खुद आज पता चला कि ऐसा कुछ है. ये क्या बीमारी बात है मतलब मुझे सर। लगता है कि ऐसी है कि शायद लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको बीमारी है. मतलब ये बीमारी है क्या है एक्चुअली? एक्चुअली इट्स अ कंजनाइटल। कंजनाइटल ओके क्या है कि मान लो आपको कुछ कलर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, कुछ कलर्स आपको अच्छे दिख ही नहीं रहे, बट आपको पता ही नहीं चलता, ठीक। बट इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है सर, ड्यूरिंग जंगल ऑपरेशंस, अगर मान लो कोई पेड़ के पीछे कैमोफ्लेज में ही बैठा है, तो आप और अगर आप पता ग्रीन कलर, आपका ग्रीन कलर इज मिसिंग ओके फ्रॉम योर ओके आई साइट, तो यू विल बी टारगेटेड इजली। राइट राइट, वो तो मैं समझ गया. मतलब वो फिर आप कैमोफ्लाजिंग में मारे हाँ जाओगे और वो कलर पैटर्न नहीं देख पाओगे, तो फिर आप हो सकता है कुछ सिग्नल्स वगैरह ना, हैंड सिग्नल, फील्ड सिग्नल्स वगैरह होते हैं. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली सर, वो डेफिनेटली है, राइट राइट राइट, ओके ओके ओके, राइट. नहीं, ये काफी लोगों को बाद में पता चलता है ड्यूरिंग, स्पेशली जब फोर्स के मेडिकल के लिए जाते हैं, कि वो कलर ब्लाइंड है. अदरवाइज वो हाँ सर, ये मुझे लगता है वो जो भी वाले मेडिकल पहले मैंने इक्विपमेंट्स, ऑनलाइन भी देखे थे. ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ. हाँ हाँ सर ऑनलाइन भी आप अपना देख सकते हो, बट अगर आपको अच्छे से देखना है तो आई विल प्रेफर कि आप बुक ओके अच्छे से कीजिए, तो ओके ओके ओके, आप अपना अच्छे से देख सकते हैं कि आप, मुझे अपना अच्छे से नजर आ रहा है हर एक लेटर या नहीं। ओके बट ओके, ये है कि आपको उसको याद करके नहीं जाना, क्योंकि राइट राइट एवरी राइट बुक इज डिफरेंट, राइट एवरी राइट बुक इज डिफरेंट। राइट राइट. तो यस सर, ये इसका तो आई थिंक इसका तो कोई सोल्यूशन है भी नहीं, राइट? मेडिकल में ना ना सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं यू हैव सर, टू लिव विद इट फॉर योर लाइफ. यू हैव टू लिव इट फॉर ऑल लाइफ। ओके ओके ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ईयर्स. यस, तो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मेरे कान में छेद छेद, मतलब नॉर्मल है, हो जाता है हाँ कहीं हाँ में हाँ छेद. लेमेंटम हाँ, सर, तो वो छेद है, मैं ऑपरेट करा लूँ तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा यार मुझसे तुम फील्ड का पूछो, यहाँ कैसे करना है क्या करना, वो मैं बता सकता हूँ. यार आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, मैं बताऊँ कि तुम कान में ऑपरेट करा लो वो ठीक है. मैंने कहा चलो यार फिर भी पूछ के बताऊंगा. तो उसके बारे में आप थोड़ा आप बताइए लोगों को ना, कि कान में छेद है या कान से रिलेटेड कोई और डिफेक्ट है जो आप ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट? या अगर ऐसी कुछ चीज़ है जिसका भी सर्जरी करानी है, तो सर्जरी इज द सोल्यूशन और नॉट? सर बेसिकली सबसे पहले तो 22 साल की अपनी जिंदगी ऐसी निकाल दें, पता ही चला कि कलर ब्लाइंड ब्लाइंड भी है वो नहीं, लोग. तो सर इसके लिए मेरा एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, अगर उनको कलर ब्लाइंड चेक करना है, इशारा बुक इज अवेलेबल एट यू कैन से कि जो भी सप्लायर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, आपको मिल सकता है इजीली, बाहर से ठीक, मतलब, बाहर से एकदम अच्छे होने चाहिए।
अच्छा इसकी भी डेफिनेशन है कि ये अच्छा ईयर है ये बेकार है। इसका सिग्निफिकेंस सर, अगर मान लो पिन्ना आपके जो ईयर, आप इसको बोलते हैं पिन्ना, अगर आपकी पिन्ना की शेप ही अच्छी नहीं है तो कल को आपका जो साउंड ट्रेवल करके आपके पास आ रही है तो कैसे फिल्टर होके जाएगी। अच्छा इसलिए हाँ सर, पिन्ना का भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा इनका ये काम है। हाँ क्योंकि साउंड प्रोसेसिंग का मेन काम है कि साउंड को अच्छे से लेके जाना ईयर्स तक। ओके ऑन लाइटर नोट, मुझे लगता था चश्मा पहनने काम आते हैं। नहीं, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो जैसा है बाय बर्थ वो वैसा है। ठीक है सर, ठीक है नेक्स्ट। तो इसमें भी अगर कोई माइनर थोड़ा सा अगर डिफेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम मेजर आपका पिन्ना ही नहीं है, आपका पिन्ना एकदम डिस्टॉर्ट हो चुका है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा ओके, फिर हम पिन्ना के बाद अंदर चलते हैं। ओके तो अंदर अंदर इज आवर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो हम कहते हैं कि हाँ ये जिसमें हम उंगली डाल सकते हैं, उंगली डाल सकते हैं, राइट। उस कैनाल में एक तो आपका जब भी आप जाए वैक्स नहीं होना चाहिए। ओके वैक्स इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करेंगे। ओके जो हम कान का पर्दा बोलते हैं, तो इसलिए आपका ईयर्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपका पिन्ना अच्छा होना चाहिए, आपको कोई कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब आपको सुनाई अच्छे से दे रहा है, कोई आपकी इंटरनल नर्व डैमेज तो नहीं है जिससे आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। okay. तो ये सब कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये हो गया मोटा मोटा। अब बात आती है कि अगर कान में छेद है, मतलब पर्दे में छेद है, अगर एक्यूट कंडीशन है, मान लो आपको जैसे कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा हो गया, तब तो आपके कान के पर्दे में इंजरी हो गई, okay. तो उस केस में क्या कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, बट वही आपको पोस्ट रिकवरी पीरियड होना चाहिए और आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट शुड बी वेल हील्ड। ओके, कोई स्कार मार्क कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए। अच्छा यहाँ पर जो स्कार आता है वो नहीं होना चाहिए, वो और जो अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नहीं, यहाँ पर तो रहेगा सर्जरी का, राइट? हाँ वो रहेगा बट दैट इज अपना हील्ड हो जाता है वो अच्छे से। ओके, इट्स अ वेरी माइनर स्कार। ओके ओके ओके, देन वैसे भी जो सर कान के पर्दे की जो सर्जरी होती है वो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसी के थ्रू की जाती है। अच्छा अच्छा, तो बाहर कहीं मार्क आएगा ही नहीं। ओके ओके, तो वो जो सर्जरी है वो सर्जरी वो एक्सेप्टेबल है, राइट? बट रिकवरी पीरियड और आपका जो होना चाहिए पोस्ट रिकवरी पीरियड, पोस्ट रिकवरी पीरियड प्लस मतलब वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। हाँ सक्सेसफुल होनी चाहिए और वो ऐसा चाहिए नहीं होना चाहिए कि आपको लंबे समय से आपको पस डिस्चार्ज हो रहा था आपके कान से, दो तीन साल से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर आप सोच रहे हैं कि अपना सर्जरी करवा लेता हूँ, बट अगर आपको दो तीन साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो इन फ्यूचर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो ठीक नहीं होगी बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक टाइप ऑफ नेचर। ओके, इट्स अ क्रॉनिक डिसीज, तो ये इशू है, जितने भी क्रॉनिक डिसीजेज है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक CSOM हम बोलते हैं क्रॉनिक सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया। ओके, इसमें पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि मुझे 6 महीने से कान से डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इट्स अ क्रॉनिक डिसीज, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन इसके अलावा कोई कान में ट्यूमर तो नहीं है, देन वी कैन से कॉलेस्टेटोमा, एक कान का ही ट्यूमर होता है, ट्यूमर नहीं होता बट इट्स स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। ओके, तो वो कोई वो एक तरह से ट्यूमर तो नहीं है बट लेमन लैंग्वेज में उसको ट्यूमर बोला जाता है। okay. वो नहीं है। देन उसके अलावा आपको कान में झुंझुनापन, देन आपको चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वो जैसे ही आपने बताया कि झुंझुनापन और चक्कर आना, उसका कैसे मेडिकल ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे चेक होता है वो? सर एक्चुअली क्या है, ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। अच्छा, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक रूम में बैठा जाता है, इट्स अ वेरी साउंड प्रूफ रूम, देन डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड वेव्स आपको सुनाई अच्छा, जाती है। वो टोंग से मारकर वो कुछ एक पहले तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट हो गया, देन आपको एक रूम में बैठा जाता है, देन उसमें प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपके कान में कोई इशू तो नहीं है, तो वो एक पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है, उसी से पता लग जाएगा सर सब कुछ। ओके ओके ओके, रिगार्डिंग इसके बारे में थोड़ी बच्चों को क्लैरिफिकेशन देना कि जो आपने बोला ना कान आपका वैक्स क्लियर मतलब साफ होना चाहिए, तो उनको ये बताना कि यार वो कहीं रोड वाले जो लोग हो तो उनसे मत साफ कराना। हाँ डेफिनेटली सर, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आप ENT कंसल्टेशन करवाइए, अगर आपका वैक्स हार्ड है तो उसके लिए आपको वो क्या कहते हैं पहले से एक सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आपको वैक्स पहले डिसॉल्व करके फिर 3 दिन बाद आना है, सो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर अगर आपका हार्ड वैक्स है। बेसिकली फंडा यही है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, अपना वैक्स अच्छे से क्लीन करवाइए। मैं भी जब मेडिकल के लिए गया था प्रॉपर एग्जामिन करवाए अपने ईयर्स, प्रॉपर वैक्स निकलवा कर ही मैं गया था। मतलब वही है कि बेसिकली कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसा ना हो कि बस स्टैंड वाला जो कान को साफ कर 20 रुपए में ना, 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 ऐसा ना लगे
वो वैक्स निकालते निकालते वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपना नहीं डैमेज नहीं कर, आई हैव सीन मैनी केसेस कि जो लोग कराते हैं उनके फिर इन्फेक्शन वगैरह बन जाता है, फिर वो पस बनना शुरू हो जाता है वहां पर। बिकॉज वो सर हाइजीनिक कंडीशन तो है नहीं, आप चलते फिरते रोड में करवा राइट रहे हो तो क्या हाइजीन राइट रहेगा वहां पर। राइट यस ओके ओके। सो नाउ कमिंग टू नोज, तो नोज में क्या क्या इश्यूज होते हैं जिनमें कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं? सर, अपना सबसे मेन क्वेश्चन जो मुझे डेली सुनने को मिलता है, डीएनएस, डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम। उसमें क्या होता है, जो नाक के बीच की हड्डी है थोड़ी वो सी, एकदम स्ट्रेट की बजाय वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, या तो ऐसे अच्छा टेढ़ा या तो ऐसे टेढ़ा, यू कैन से एस शेप्ड। तो उसमें सर मेन बेसिकली क्या है कि अगर आपके जो एयरवेज है वो पेटेंट है, मतलब तो आपको दोनों का आपके नाक खुले हुए, नॉस्ट्रिल्स आपके एकदम ओपन है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, और हल्का सा माइल्ड डीएनएस है, माइल्ड, ठीक, कि आपके एयरवेज पेटेंट है, तो देन इट इज एक्सेप्टेबल। ओके। तो अगर आपको मॉडरेट और सीवियर है, आपको बार बार राइनाइटिस हो रहा है, कॉल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर ए सर्जरी, आई विल, आई मस्ट से। अच्छा ओके। अब इसका भी सिग्निफिकेंस वही है सर, अगर आपके बोलते हैं सर इससे क्या है फर्क पड़ता है, ये व्हीकल को अगर पोस्टिंग आपकी हाई अल्टीट्यूड में हो गई, अगेन यू कांट ब्रीथ प्रॉपरली विद योर नॉस्ट्रिल्स, आप एयर वहां पे पहले ऑक्सीजन कम है, आपका नेजल एयरवे पेटेंट नहीं है, तो आप कैसे ऑक्सीजन ले पाएंगे अपने लंग्स के लिए, एंड हाउ यू कैन ब्रीथ। राइट राइट राइट। तो ये कंडीशन है डीएनएस का सबसे ज्यादा जो एक चल रहा है कैंडिडेट्स में, ओके ओके। माइल्ड विद पेटेंट एयरवेज इज एक्सेप्टेबल। तो इसकी सर्जरी में मतलब कितना टाइम लगता है रिकवरी में, इसका क्या है प्रोसीजर थोड़ा सा कि कितने टाइम सर पहले वही, होता अगर देखा जाए, अगर जो डीएनएस की सर्जरी होती है वो एक एज ए प्रॉपर, आई कैन से मेरे लिए मेजर सर्जरी, मैं मानता हूँ उसको डीएनएस, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड नेक, कैरोटिड आर्टरीज एंड दिस एंड ऑल। सो मिनिमम आपका जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए एक ये डीएनएस की सर्जरी आप करवा रहे हैं, अब लिखा है कहीं पर कि 3 मंथ्स तक आपको रिकवरी पीरियड चाहिए, कि आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन अप्लाई, बट फॉर मेरा मानना है कि मिनिमम 6 मंथ पीरियड शुड बी देयर, रिकवरी? देन यू शुड गो फॉर ए मेडिकल। ओके ओके। यस सर, इसमें ऐसा भी होता है कि लेट से किसी ने डीएनएस चेक कराया, डीएनएस था, उसने ऑपरेट करा लिया, और बट फिर वो मेडिकल के लिए गया आपने, वहां उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो पता चल जाएगा इसने डीएनएस ऑपरेट कराया या नहीं कराया? वही है सर, नेजल जैसे ही अपना क्या कहते हैं नेजल एग्जामिनेशन करेंगे विद थ्यूटिकम, थ्यूटिकम एक डिवाइस होता है जिससे आपका प्रॉपर नोज नॉस्ट्रिल दिखता है, ओके तो जैसे ही हम उसको देखेंगे तो सर अंदर स्टिचेस, स्कार मार्क, ग्रेनुलेशन टिश्यू, फ्रेश ओके okay. ब्लीडिंग पॉइंट्स सब नजर आएगा सर। नहीं जैसे कोई रिकवरी के बाद गया, लाइक कि 6 1 साल बाद गया है, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत फिर नहीं पता चल हाँ गया? तब तक वो अच्छे से हील हो जाता है, कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ओके। तो ये डीएनएस आई थिंक रिकरिंग तो नहीं है ना, राइट? एक बार करा लिया तो बस। हाँ इट्स नॉट रिकरिंग, ओके ऐसा तो नहीं वो हड्डी दोबारा बढ़ जाएगी ऐसा कुछ? नहीं, बट फिर भैया थोड़े बहुत प्रिकॉशंस तो आपको लेने होते हैं, कि ओके मतलब ऐसा कि अपने नोज को आपको बचा के रखना है, कि ऐसा नहीं कोई आपको हिट कर दे, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ओके। व्हाट अबाउट जो राइनाइटिस और ये साइनोसाइटिस वगैरह है ये? सर इसका भी मेन यही फंडा है, अगर राइनाइटिस और साइनोसाइटिस है तो कहीं ना कहीं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करता है, ओके ठीक। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे, तो ओके। लाइक जुकाम वगैरह? बीइंग ए ऑफिसर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। अब मान लो एकदम से आपका क्या है, ऐसी जॉब में क्या है, अगर आप एकदम से ठंड में बैठे तो एकदम से आप गर्मी में जा रहे हैं, ओके एकदम से कोला कि आपको जाना है, तो अगर आपको एनवायरनमेंट ये सूट नहीं किया, आपको जाते ही इन्फेक्शन हो गया, हाउ यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज, राइट राइट राइट। इसीलिए दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन फोर्स, कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस, राइनोरिया, ये सब कंडीशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। नहीं मैंने इसमें सुना, मतलब सुना ही नहीं, पढ़ा भी था कि साइनसाइटिस में क्या होता है कि लेट से कि क्रोनिक वाले में स्पेशली आप जब ठंडे इलाकों हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपका यहाँ पर ये पेन सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ कफ एंड। हाँ ये प्रॉपर फ्रंटल फ्रंटल हेडेक होगा आपको, फ्रंटल हाँ साइनोसाइटिस होगा, इस मॉडल मतलब 4 साइनस होते हैं हमारे ये फेस हाँ में, वो चारों के चारों इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे सर। इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ब्लॉक टाइप्स हो जाते हैं, सर दर्द मतलब पूरा ये हाँ पूरा हाँ दुख भी रहा होता आपका? डेफिनेटली, सो इट विल कॉज ए मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग ओके ड्यूटीज। यस ओके। सर, तो आपकी तरफ से कोई प्रिकॉशन जो इसके रिगार्डिंग कुछ ले सकता है स्पेशली जो नोज देखो वाले? अगर आपको एक्यूट एक्यूट अपना राइनाइटिस है, एक्यूट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट कंडीशन है, तो उसका तो सबसे पहले तो यही बोला जाता है, जितने भी ईएनटी, ईयर, नोज और टंग रिलेटेड इन्फेक्शन है, पानी पीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पानी उस इन्फेक्शन को क्लियर करता ओके
इन केस ऑफ एक्यूट, ओके, क्रोनिक में तो यही है कि आपको फिर क्रोनिक है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, यू हैव टू टेक द इनहेलर्स, यू हैव टू टेक पेन किलर्स, तो वो तो एक लाइफ लॉन्ग डिसीज ही होगा क्रोनिक तो, ओके क्योंकि वो आपको बार बार होता रहेगा। ओके ओके अगर एक्यूट है तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और जो भी आपका एक्यूट एपिसोड चल रहा है तो आप टेक योर मेडिकेशन अलॉन्ग विद यू, एंड जब भी आपको दिक्कत हो आप मेडिसिन दीजिए एंड गेट ए अपना रेफरल गेट योर प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद यू। अगर आपको एक्यूट एपिसोड है, एक्यूट एपिसोड तो मान लो मुझे भी हो सकता है, मैं अगर एक्सट्रीम एकदम से ठंड हो जाए, एक्सट्रीम वेदर में जा रहा हूँ तो एक दो दिन का रहता है, बट वो एक दो दिन बाद ठीक हो जाता है। राइट राइट ओके ओके ठीक है। तो ये इसी में ट्यूबरक्यूलर अल्सरेशन क्या होता है? सर ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, अपना नेमन टाइप सर वही मैं बता रहा हूँ कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस है मेनली लोगों को होता है कि छाती में होता है। ओके छाती में नहीं होता, छाती में भी होता है, स्पाइन में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, राइट राइट वो कहीं स्किन में भी हो सकता है। राइट राइट तो अगर आपका जो ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से लाइक मतलब आपको एक बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, अगर आपको क्रॉनिक टीबी है, क्रॉनिक विद अल्सरेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू कहीं पर भी स्पेशली लंग्स, यू आर रिजेक्टेड टू बी फ्रैंक। ओके अगर आपका एक्यूट ट्यूबरक्यूलोसिस है, आपने अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, अब आपके एकदम लंग्स है एक्सरे में भी एकदम अच्छे नजर आ रहे हैं, एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं, आपका जो पोस्ट रिकवरी पीरियड था वो एकदम अच्छा चल रहा है, टीबी का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है बॉडी में, देन इट इज बट ओके। बट टीबी रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है लाइक टीबी अल्सरेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू, देन उसके अलावा टीबी रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होंगे लाइक क्रॉनिक कफ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके यस सर। तो इन सब में कुछ एक्सेप्टेबल रेंज है कि हाँ इतना होगा चलो एक्सेप्टेबल है, इतना होगा तो नहीं मतलब यू आर डिस्क्वालीफाइड? मेन सर वही, अगर आपने टीबी का ट्रीटमेंट अच्छे से ले लिया है, टीबी का ट्रीटमेंट वही 6 फेज और 9 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स और 9 मंथ्स आपने वो ट्रीटमेंट अच्छे से लिया है टीबी का, और कभी कभार मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन भी आया था कि टीबी की वजह से उसको सीवियर अल्सरेशन हो गया, देन उसको पाइप डालना पड़ा उसके लंग में, दैट ड्रेनेज किया जाए, फिर उसकी एक सर्जरी की गई, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उस चीज का कॉम्प्लिकेशन होगा। ओके ओके क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है उस वजह से, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर हार्श कंडीशन। ओके ओके तो जैसे हमने अभी ENT का डिस्कस किया, तो इसमें क्या क्या चीजें परमिसेबल हैं कि हाँ इतना होगा तो यू आर इन, इससे ज्यादा होगा तो यू आर आउट? ENT में लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस की बात करें तो आई सेड माइल्ड ईएनएस, ठीक। ईयर की बात करें तो अगर एक्यूट आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपने ट्रीटमेंट लिया अच्छे से, एक मिनट, आपने कहा कि माइल्ड ईएनएस है एक्सेप्टेबल है राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो कहीं से दिखा के मतलब वो मेडिकल के लिए गया, वहां से बोल दिया नहीं आपको डीएनएस है आप सर्जरी करा के आओ, बट वो कहीं और के डॉक्टर दिखा उन्होंने बोला नहीं माइल्ड है चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में क्या होता है कि एक सिटी अपना एनसीसीटी फेस होता है, आप एक प्रॉपर एनसीसीटी फेस करवाइए, आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाएगा। ओके और एक एक्सरे भी होता है आपका नेजल साइनस का, उसमें भी आपको डीएनएस अच्छे से नजर आ जाएगा कि ये माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है। अच्छा उसके मतलब ऑलरेडी वो डेफिनेशन है कि इतने से ज्यादा होगा तो माइल्ड है सीवियर है वो सब लिखा हुआ है? हाँ, जो भी स्पेशलिस्ट होगा वो क्लासिफाई करेगा कि आइदर इट्स माइल्ड, आइदर इट्स मॉडरेट और आइदर इट्स सीवियर। ओके जैसे मतलब साथ साथ जैसे कैरी एंगल का है कि भाई मेल्स का 15 डिग्री तक परमिसेबल है, लेडीज मतलब फीमेल्स का 20 डिग्री तक है, तो ऐसे सारा क्लासिफिकेशन है। यस सर यस सर। ओके माइल्ड तक एक्सेप्टेबल है? माइल्ड मैं सिंपल सा बोलूं तो माइल्ड इज एक्सेप्टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके ओके बट उसको बट उस ये है कि उसको हम लाइटली नहीं ले सकते, मान लो मुझे माइल्ड डीएनएस भी है, माइल्ड नॉकनेस भी है, माइल्ड फ्लैट फुट भी है, तो उसके बाद मुझे माइल्ड डेफनेस भी है, सर वो फिर क्रोनिक ही हो गया। ओके ओके हाँ वो सारी जुड़ सारा नेगेटिव जुड़ जुड़ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। यस सर। राइट 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 ठीक है ठीक है। तो इसमें कुछ मेडिकल में नेक से रिलेटेड कुछ चेक करते हैं? नेक से रिलेटेड तो मेन वही है, देखो आपका थायराइड ग्लैंड देखा जाता है बेसिकली कि आपको कोई थायराइड स्वेलिंग तो नहीं है, थायरोग्लोसल सिस्ट तो नहीं है, देन उसके अलावा आपको हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म, क्योंकि उसके आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं ओके दोनों कंडीशन में, एंड इफ सीवियर गोइटर होगा तो ऑब्वियसली आपका जो थायराइड ग्लैंड होगा बहुत दिखेगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक में बेसिकली ये दिया देखा जाता है, देन आपका जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर, ओके या एक हमारा वेन चल रही होती है
तो वो अगर मान लो रेज है ना तो वो अलग से दिख जाएगा, ओके, आपको भी दिखेगा, स्पेशली ओल्ड एज केसेस में दिखता है, यंग एज में नहीं दिखता, अलग से आपको प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ प्रेशर है। हाँ राइट, हाँ सर, तो ये सब प्रॉपर नेक में देखा जाता है। ओके, तो ये जो आई मीन इसमें भी कुछ रहता है, माइल्ड है, माइनर है, अक्यूट है, इसमें भी कुछ रहता है सर? गोइटर केस में तो देखो वो डिफ्यूज ही होगा, मतलब वो सीवियर ही होगा, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और नहीं दूसरा हाइपरथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म ये ऐसी ऐसी कंडीशन है क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको ये तंग करेगी, ओके ओके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट्स मतलब एक टोटली रिजेक्शन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो नाउ कमिंग टू टीथ, तो लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए टीथ के, अपने मतलब टीथ की हेल्थ, मतलब जो अपने कैविटी हेल्थ है उसकी रिगार्डिंग क्या रखना चाहिए, जब वो मेडिकल के लिए जाएं तो क्या तैयारी करके लेके जाएं? सबसे पहले तो आप जो आपका ओरल हाइजीन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप मुंह खोलेंगे तो सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात कर पाएगा, कि वो भी कंफर्टेबल हो, तो ओरल हाइजीन इज वेरी वेरी मस्ट। देन बात आती है टीथ्स की, अब बोलते हैं कि मेरे टेढ़े दांत है, मेरे दांत है, इसका एक साइंटिफिक एक जो है ना कनेक्शन है। अगर आपकी च्यूइंग कैपेसिटी, मतलब जो आपकी खाना चबाने की कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका न्यूट्रिशनल इंटेक भी अच्छा होगा, क्योंकि आप खाना अच्छे से चबा पा रहे हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर आप खाना ही अच्छे से चबा नहीं पा रहे तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली पुअर हो जाएगा, राइट राइट, एंड इट विल लीड टू वेरियस डिजीज, राइट। ठीक, तो डेंटल टीथ आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। एक हम देखा जाता है डेंटल स्कोर, इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है लोगों को, तो आपका जो मिनिमम डेंटल स्कोर है दैट शुड बी 14 मिनिमम, 14 कि मतलब मेरे इंसाइजर भी है, केनाइन भी है एंड प्री मोलर्स है, मोलर नहीं है बट आपका डेंटल स्कोर 14 आ रहा है गिनने के बाद। एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, ईच टीथ को आपको एक पॉइंट दिया गया है, वो कैलकुलेशन जो भी मेडिकल ऑफिसर है बोर्ड वो करता है। ओके, देन उसके बाद एक जो दूसरा डाउट मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मेरे मसाला भरा हुआ है, ओके ठीक है, मेरे कैप लगी हुई है। अगर कैप लगी हुई है, आपका टीथ हेल्थी है, कोई आपको इन्फेक्शन नहीं है, देन इट्स एक्सेप्टेबल। सिमिलरली इन केस ऑफ आरसीटी, आरसीटी के बाद आपका इन्फेक्शन क्लियर हो गया, टीथ इज परफेक्ट एंड फाइन, आपका कैप लग गया तो दैट इज परफेक्ट। अगर हम उसको एक्सक्लूड भी करते हैं तब भी आपका डेंटल स्कोर 14 आ रहा है तो इट मीन्स यू आर परफेक्ट। ओके ओके, मतलब कैप लगा हुआ है, कुछ मसाला भर रखा है, तो दैट इज नॉट एन प्रॉब्लम, बट आपको पर्टिकुलर डेंटल स्कोर है वो मीट होना चाहिए, वो आपका मीट होना चाहिए 14, मिनिमम 14, उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा। ओके ओके ठीक है, तो और कुछ ध्यान रखने वाली बात स्पेशली रिगार्डिंग टीथ? टीथ का सर देखा जाए कि जो टीथ का इन्फेक्शन होता है वो सबसे गंदा होता है, बिकॉज जो आपका डेंटल इन्फेक्शन है दैट कैन गो इनटू योर ब्लड, दैट कैन गो इनटू योर लंग्स, दैट कैन गो इनटू योर हार्ट, दैट कैन गो इनटू योर ब्रेन वाया नोज। सो डेंटल हाइजीन तभी बोला जाता है कि आपको बहुत अच्छा ही रखना है। इसको आप डेंटल हाइजीन को आप लाइटली नहीं ले सकते। राइट राइट राइट, मेरा सजेशन यही है जो लोग मतलब ठीक है अभी तो एस्पिरेंट्स जो है यंग है, जो ये लोग खा रहे हैं तंबाकू चैनी कैनी अभी तो इनको मजा आ रहा है, बट दैट्स शुड बी स्टॉप्ड। ओके ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो दिक्कत करेगा, उसके इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस हैं डेफिनेटली, कॉम्प्लिकेशंस, इम्प्लीकेशंस, एवरीथिंग। ओके ओके, सो ओके थैंक, ग्रेट ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्किन डिजीजेस, मतलब मैंने देखा है काफी लोगों को रैशेस वगैरह होते हैं वो सब कुछ है। उसके लिए क्या है, क्या रहता है, मतलब क्या किस तरह की चीजें रहती है जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या होते हैं और कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं? सर अगर देखा जाए, अगर बात करें कुछ ऐसी डिसीजेज है जो क्रॉनिक है उनका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लाइक सोरियासिस, लाइकन प्लैनस। सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस में आपकी बॉडी में एकदम डिफरेंट डिफरेंट एकदम स्केली टाइप आपकी स्किन हो जाएगी, स्केल्स टाइप, मतलब स्केली बोल सकते हैं, एक्सोपोलिएटिव स्केल्स बोल सकते हैं, मतलब एक होता है स्मूथ स्किन, एक होता है वहां पे। ओके समझ गया ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ सिंपल लैंग्वेज में स्केल्स हो जाएंगे, चकती स्किन हो जाएगी, वो एकदम रफ एकदम रफ टाइप स्किन हो जाएगी, दैट इज सोरियासिस। ओके मतलब इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके ओके, तो इसका तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Okay. इसके बाद एक लाइकन प्लैनस है, उसमें भी वही आपके पूरे बॉडी पे जितना भी ये ट्रंक एरिया है उस पे आपके हमेशा ब्लू डिस्कलरेशन रहेगा, साथ में रैशेज रहेंगे, तो उसमें भी ये ओरल म्यूकोजा में आपके मतलब अगर हम साइंटिफिक फेस जाएंगे मेडिकल में तो बहुत एक लंबा टॉपिक बन जाएगा ये जितने भी, तो मोटा मोटा जो समझ जाएगा जितने भी क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है लाइक सोरियासिस, लाइकन प्लैनस,
आपको कोई कंजनाइटल स्किन से कोई ट्यूमर तो नहीं निकल रहा है, okay. ये हो गया। देन आपका देखा जाए तो सफेद दाग विटिलिगो, ओके वो तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद लेप्रोसी तो नहीं है, ऊपर सफेद दाग होते हैं जो, हाँ 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 हाँ, तो वो भी एसेप्टेबल नहीं है, नॉट एट ऑल, मतलब जितनी भी नहीं, एक है कि किसी एक छोटे से एरिया में है सफेद, नहीं नहीं वो भी एसेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर सर क्या पता वो बहुत ही भयंकर रूप ले ले। नहीं तो वो उससे बस स्किन का वही है ना, आप उसी के बारे में बात करें जो स्किन स्किन का डिस्कलरेशन होता है, व्हाइट कलर की हो जाती है, वो सफेद दाग होते हैं सर। यस हाँ हाँ, दैट्स नॉट एसेप्टेबल सर। ओके, रीजन बी सर वही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सर वो। मान लो आज आपको एक स्टार्ट हुआ है तो कल आपको मान लो ज्वाइनिंग के बाद पूरी बॉडी में हो गया, तो ये मतलब बेसिकली ओके ठीक है ठीक है, मतलब ऐसे डिजीज तो वो है, बट जस्ट फॉर माय नॉलेज पर ये लोगों में देखा थे लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं उनको सर। वही बात है, लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट वही है ना, स्पोर्ट्स में डेकोरम होता है सर कि एवरीवन शुड बी फिट एंड फाइन, कि दूर से लगे कि हां, मेरा जो मानना है ओके, बट वैसे देखा जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती उनको, बस स्किन में वैसे उनको कोई दिक्कत नहीं, वैसे दे लिव ए नॉर्मल लाइफ, बट वही है कि पैची डिस्कलरेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसको, व्हाइटिश डिस्कलरेशन है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर उसको इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, तो ऑपरेशनल ड्यूटी में ये बहुत बड़ा मतलब हैम्पर कर सकता है। ओके ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है सर। तो जितने भी क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, ये वेनेरियल डिजीज क्या होता है? वेनेरियल में आपका जितने भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए, ओके, लाइक अपना HIV बोल सकते हैं, देन उसके अलावा ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस होता है, तो अगर ये लाइफ लॉन्ग है, क्रॉनिक है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक अगर आपको ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस है तो दैट इज, उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए, वो आपका ठीक हो जाता है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आपका क्रॉनिक HIV चल रहा है, आपका CD4 CD8 काउंट बहुत लो चल रहा है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके ओके ठीक है गॉट इट। ओके तो कुछ लोगों का स्टैमरिंग वगैरह का भी इशू होता है, स्टैमरिंग वही हकलाते हैं थोड़ा सा बोलने में, लिमिट तो परमिसिबल है या? हाँ, इसका मैंने एक अपना YouTube शॉर्ट भी डाला था, स्पेशली उसमें एक्टिंग भी किया था मैंने, ओके, अपने चैनल में स्टैमरिंग को लेकर बहुत डाउट था इसका। ओके, अगर 4 to 5 सेंटेंस के बाद आपको स्टैमरिंग हो रही है, ओके, लाइक आई विल से कि माय नेम इज डॉक्टर समर, मतलब मैंने माय नेम इज डॉक्टर समर 5 वर्ड्स बोल दिए, मतलब 4 to 5 वर्ड्स के बाद, देन इट इज एक्सेप्टेबल, इट्स माइल्ड स्टैमरिंग। ओके, अगर अगर आपको हर्ड मतलब अगर ऐसा हो कि सिर्फ पहले वर्ड में अटका और बाकी सारा सब, जैसे मुझे आपसे बात करनी है, मैं बोल रहा हूँ सर 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 एक काम है आपसे, सर सर सुनिए सर, तो ये बहुत आपका सीवियर टाइप ऑफ स्टैमरिंग है। ओके ओके, और मैं आपसे बात करूँ, अगर ऐसा है कि मैं वही बोल रहा था कि जैसे आपने बताया 3-4 वर्ड के बाद अटका तो मतलब एक्सेप्टेबल, एक है कि सिर्फ पहले वर्ड में अटका पर बाकी बिल्कुल स्मूथ है फिर वो एक्सेप्टेबल। हाँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके यस सर, ओके 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 ठीक है, तो इसमें तो चलो ठीक है, गॉट इट गॉट इट, ठीक है। बाकी 4 to 5 वर्ड्स के बाद आप नॉर्मल। तो आर्थराइटिस वगैरह का भी चेक होता है कुछ? यस डेफिनेटली सर, आर्थराइटिस में तो आर्थराइटिस बाहर से दिखता नहीं है, फिर चेक कैसे करते हैं उसको सर? वो जो भी बोर्ड होगा मेडिकल ऑफिसर्स का, दे विल एडवाइस फॉर दिस एक्सरे, बहुत नीस नहीं तो उसमें आपका प्रॉपर नहीं नहीं, बट जैसे मैंने तो मतलब इवन आर्मी में भी दिया है और CAPF में भी दिया अपना, बट मेरा तो कभी नीज का जॉइंट्स का कभी तो अर्थराइट मतलब मैंने एक्सरे तो हुआ ही नहीं सर। एक्चुअली क्या ऑब्वियसली जो आपका मोबिलिटी होगा, अगर मान लो आपको हर डिजीज का कोई ना कोई सिम्टम है वो पकड़ में आ जाता है। ओके, मुझे अर्थराइटिस होगा तो ऑब्वियसली वाला CAPF में तो पहले मैं फिजिकली नहीं क्लियर कर पाऊंगा, फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, देन आपका स्टैंडिंग पोस्चर एकदम गड़बड़ मिलेगा। ओके, देन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, हम स्किन पैल्पेबल करेंगे, मतलब आपका जैसे नीज को पैल्पेबल करेंगे, पैल्पेट करेंगे मतलब नीज को, तो कहीं ना कहीं हमें अपना डिफॉर्मिटीज नजर आ जाएगी मोटा मोटा। ओके ओके ओके, देन देयर आर वेरियस टेस्ट वी कैन परफॉर्म टू रूल आउट एनी आर्थराइटिस और नॉट। ओके ओके ओके, राइट राइट, पता लग जाता है सर। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं मतलब बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, आर्थराइटिस हो गया और एक एक क्वेश्चन हो गया सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके, एक हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके,
तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि इससे क्रॉनिक डिजीज, मतलब हाँ ठीक है उसका ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट फील बेटर, बट अगर यंग एज में हो रहा है तो मे बी इन फ्यूचर वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर करेगा. सो दैट कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो, ओके, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हैम्पर करेगा. ओके ओके. एंड अगर फिट कैंडिडेट में अगर ये दोनों चीजें मिल रही है इन अ यंग कैंडिडेट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका डिसीज प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. राइट राइट राइट. तो मैं एक ऐसा एक जनरल क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जॉइंट मोबिलिटी एंड लिम डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती है मेडिकल टाइम में, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप ना करें या अवॉइड करें या कुछ ट्रीटमेंट करें ताकि आप वो मेडिकल क्लियर कर सकते हैं, स्पेशली अबाउट लिम्स. सर जॉइंट मोबिलिटी का देखा जाए अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इसका कहीं ना कहीं रोल है आपके जो डेली टास्क है आपकी, आपका रनिंग स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग. तो मुझे याद है अपना ट्रेनिंग बहुत, मतलब आज भी सोचता हूँ कि हाँ मैंने एंजॉय किया अपना ट्रेनिंग बहुत अच्छे से, बट इट वॉज वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड बींग ए मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो. सो लिम्स का जो रोल है तब पता चलता है ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको डेली रनिंग भी करना है, डेली आपको रॉक क्लाइंबिंग भी करना है, डेली आपको ट्रैकिंग भी करना है, जंगल कैंप में भी जाना है, फायरमैन लिफ्ट आपको करना है. तो ये कहीं ना कहीं आपके जो अगर मोबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी नीज अच्छी नहीं है, आपके एंकल्स अच्छे नहीं है, आपके एल्बो जॉइंट अच्छे नहीं है, आपके रिस्ट जॉइंट अच्छे नहीं है, तो यू कांट परफॉर्म दिस वेरियस टास्क. राइट राइट. वो अपने उसमें फिंगर्स भी चेक करते हैं आपके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बाजू ऐसे करा के सब कुछ देखते, कैरी एंगल वगैरह सब चेक कराते हैं. यस यस. इसीलिए बोलते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है स्पोर्ट्स में. तो इसलिए जॉइंट मोबिलिटी शुड बी वेरी वेरी गुड. अगर आपको जॉइंट मोबिलिटी अगर कम है तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग तो आप अपना मतलब जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, उसको आप लिख लीजिए कि स्ट्रेचिंग तो मुझे करनी ही है डेली. अगर मैंने आज रनिंग नहीं करी कोई बात नहीं, बट मैं स्ट्रेचिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स जरूर करूँ अपनी बॉडी की, तो ये मस्ट है. राइट राइट. तो ये वही नॉकनीज वाला इशू है, ये उसी मोबिलिटी के पार्ट है. राइट. या नॉकनीज हो गया आपका, बो लेग्स हो गया, देन उसके बाद फ्लैट फिट हो गया, ये सब उसी के ही इशू है मोबिलिटी के. ओके. तो नॉकनी में कितना परमिसेबल है, फ्लैट फुट में कितना परमिसेबल है? सर जो नॉकनीज में बेसिकली क्या होता है कि आपको जब हम एग्जामिन करते हैं, हम पेशेंट को जो एग्जामिनेशन टेबल है उस पर लिटा देते हैं, ठीक. देन उसके बाद बोलते हैं कि आप जो अपनी दोनों लेग्स हैं उनको स्ट्रेट रखिए. देन विद द हेल्प ऑफ, मतलब आपने अपनी लेग्स ऐसे स्ट्रेट रख ली, ठीक. मान लीजिए आपकी ये लेग इन दोनों को आपने स्ट्रेट रखा विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक ले लीजिए, या आप अपना पैन का कैप ले लीजिए. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लाइक ये दोनों लेग्स है इनके बीच आता है इंटरमेल्युलस डिस्टेंस, तो उन दोनों का डिस्टेंस मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक. अच्छा. मतलब 5 सेंटीमीटर इज परमिसिबल, अगर उससे ज्यादा है तो इट मीन्स आपको नॉकनीज है. अच्छा अच्छा. मतलब मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो नॉकनीज. हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा है तो नॉकनीज है. और फ्लैट फुट का? सर फ्लैट फुट में क्या है, आपकी आर्चेस देखी जाती है, एक सिंपल सा, उसमें एक सिंपल सा टेस्ट है. अगर आपको किसी का भी फ्लैट फुट जानना है तो उसको बोलना कि भाई आप अपना दोनों पैर गीला कीजिए, मतलब आप पैरों को पानी में डिप कीजिए और आप चलना शुरू कीजिए उस फर्श पे या पेपर पे. सबसे अच्छा पेपर पे आएगा. हाँ, अगर और भी अच्छा चाहिए तो आप पानी की जगह इंक यूज कर सकते हैं. राइट राइट राइट. तो आप दोनों अपने पैर डिप कीजिए, एक पेपर रखिए उस पे आप चलना शुरू कीजिए. उसके बाद अपने पैर की मार्किंग देखिए अपने फुट की, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर पूरा ऐसे कवर हो रहा है मेरा पैर तो देन इट्स फ्लैट फुट. अगर प्रॉपर आपकी आर्चेस डेवलप्ड है, प्रॉपर ऐसे आर्चेस आपकी अच्छे से डेवलप्ड है, इट मीन्स यू आर फिट. ओके. तो फ्लैट फुट से दिक्कत क्या है? यस सर. फ्लैट फुट से दिक्कत क्या है? फ्लैट फुट से दिक्कत क्या है सर, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें ऐसे ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं कि हमें भागना है. और जिसको फ्लैट फुट होगा वो अच्छे से भाग नहीं पाएगा, उसको लिंपिंग होगा. अच्छा. अब मेरा जैसे अगर मान लो मेरा नॉर्मल फुट है तो मैं पंजों के सारे भी भाग सकता हूँ, पैर टेढ़ा करके, मुझे पता नहीं चलेगा. बट जो फ्लैट फुट होगा उसको पंजों के सारे भागने में बहुत दिक्कत होगी. ओके ओके. एंड ड्यूरिंग जंगल कैंप्स में तो आपको प्रॉपर वेट लेके सब कुछ करना है, आपको तो सब पता ही है हाउ मच हार्ड इट इज. तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी रनिंग में. ओके ओके. मतलब ये तो नॉक नीज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, तो इनका तो कोई सलूशन है ही नहीं. राइट.
नहीं, नॉट सॉल्यूशन। हाँ, हालांकि मैं एडवाइस लोगों को यही देता हूँ कि अगर माइल्ड है, माइल्ड माइल्ड नॉकनीज है, माइल्ड फ्लैट फुट है, तो देर आर डिफरेंट एक्सरसाइज। मैंने वो एक्सरसाइज अपने यूट्यूब चैनल में प्रॉपर डिस्कस किया इसके बारे में, फ्लैट फुट एंड नॉकनीज। ओके ओके, तो मैंने माइल्ड नॉकनीज, माइल्ड फ्लैट फुट के लिए एक्सरसाइज बताई गई है उस वीडियो में। सो आप कहेंगे तो मैं चैनल वो लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, तो वो जाकर वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, थोड़ा सा वो इम्प्रूव हो सकता है। हाँ, तो माइल्ड। अगर आपको मॉडरेट या सीवियर है, तो उसमें मैंने बताया कि अगर आपको मॉडरेट या सीवियर है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ सर्जरी, कि आप लोगों के बहकावे में मत आइए कि ठीक हो जाता है, नहीं होता। अगर सीवियर है तो सर्जरी के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सेप्टेबल भी होगा फोर्सेस में, राइट? सर्जरी के लिए फिर भैया मिनिमम 1 ईयर, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब पोस्ट रिकवरी पीरियड। ओके ओके ओके, यस ओके, ठीक है ठीक है। एक किसी ने मतलब कमेंट से पूछा था कि रिगार्डिंग वो लड़के का था, वो टेस्टिकल्स के रिगार्डिंग ओके कुछ था कि छोटे हैं बड़े हैं, ऐसा कुछ था, तो क्या देखो, रहता है? हाँ, अगर देखो सर, हम एनाटॉमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दोनों टेस्टिकल है वो सेम नहीं है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। ओके ओके, बट अगर आपको कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है कि एक आपका टेस्टिस नहीं है, या आपके दोनों टेस्टिस नहीं है, okay. एक टेस्टिस बहुत ज्यादा लटक रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील है या हाइड्रोसील हो सकता है। ओके 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 ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट जो हाइड्रोसील का है, वही अगर आप पोस्ट, अगर आप सर्जरी करवाते हैं, पोस्ट सर्जरी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, इसका ये। नाउ कमिंग टू दैट, जो स्पेशली हार्ट हो गया और ये जो आपका बीपी वगैरह रिलेटेड है, इसके क्या क्या रिजेक्शन होते हैं और कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं इनको? ठीक है, हार्ट रेट का सर सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं आपके दिल से, ईसीजी वगैरह होता है जिसमें इररेगुलर हार्ट बीट्स होती है, शायद उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हाँ, मैं उस पे आता हूँ सर, उस पे बिल्कुल क्लियर। हार्ट रेट का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा अपना इससे है, अपने दिल से। और जो ईसीजी को बोला जाता है, पुअर मैन, अपना मेडिकल टर्म में बोला जाता है पुअर मैन इको कार्डियोग्राफी, मतलब अगर आपके पास इको की मशीन नहीं है, तो आप ईसीजी से पूरा दिल चेक कर सकते हैं, इफ यू आर ट्रेंड इनफ। ओके ओके, तो इसलिए उसको बोला था पुअर्स मैन इको कार्डियोग्राफी। लाइक यू आर वर्किंग इन पीएचसी, आपको दिल का स्टेटस पता करना, गो फॉर ईसीजी। अगर आप ट्रेंड है, तो आप अच्छे से बता देंगे इसके दिल में क्या इश्यू है। ओके ओके, एंड हार्ट रेट का इसलिए सिग्निफिकेंस है, मान लीजिए किसी को साइनस टैकीकार्डिया है, मान लो एक नॉर्मल हार्ट बीट मान के चलिए 60-80 बीट्स, या 70-100 मान लीजिए हाइपोथेटिकल, कि एक कैंडिडेट है उसका हार्ट बीट एकदम नॉर्मल चल रहा है, बट एक कैंडिडेट है उसका हार्ट बीट 120 चल रहा है, ठीक। अब 120 वाले को हमने ले लिया, इन फ्यूचर अगर आप कोई वो रनिंग टास्क कर रहा है, दैट साइनस टैकीकार्डिया कैन लीड इनटू वेंट्रिकल टैकीएरिथमियास और आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर, दीज आर मेडिकल टर्म्स, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ, दैट्स फॉर श्योर। ओके ओके, मतलब अब मैं सिंपल भाषा में बात करें, आर्टेरियल फिब्रिलेशन मतलब आपका हार्ट ऐसे ऐसे धड़केगा, एक होता है नॉर्मल धड़कना, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, हार्ट ऐसे ऐसे धड़क रहा है। ओके ओके ओके, वो रिदम वेंट्रिकुलर असिमेट्रिक टाइप्स में, एसिमेट्रिक टाइप आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू अ डेथ। इसीलिए हार्ट रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक कंडीशन हो रहा है कि अगर आपको साइनस ब्रैडीकार्डिया है, साइनस ब्रैडीकार्डिया में क्या, मान लो आपका नॉर्मल हार्ट रेट था 72, बट मेरा चल रहा है 40। ओके, अब कब आपका एवी ब्लॉक हो जाए, कब आपका हार्ट सडन स्टॉप कर जाए, वी कांट रूल आउट, मतलब इट्स, मतलब वो हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, इसलिए कि देखा जाता है कि जो आपका हार्ट रेट है वो एकदम नॉर्मल रेंज पे ही रहे। ओके, बट एक कंडीशन भी होती है ना, जो जैसे कुछ लोग जो काफी फिजिकली एक्टिव रहते हैं और इंटेंस वगैरह करते हैं, तो उनकी जो रेस्ट वाली हार्ट बीट है काफी नीचे आ जाती है, लाइक बिलो 50 भी आ जाती है, तो वो भी कोई इशू? वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, मुझे पता था यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान के चलिए मेरी हार्ट बीट भी 50 बीट्स पर मिनट ही मिलेगी, बट अगर देखा जाए, अब जैसे बोला कि हाँ मेरी हार्ट बीट कम है, बट सर आई हैव ट्रेंड माय हार्ट टू दैट पॉइंट, मैंने फिजिकल कैप अपना स्ट्रेंथ इतना इंक्रीज कर लिया कि मैंने अपने हार्ट को उस मेंटेन, उस हार्ट बीट में मेंटेन रखा हुआ है, राइट राइट, हाँ। बट अगर मेरा इवैल्यूएशन करवाया जाए, मेरा ईसीजी करवाया जाए, मेरा इको करवाया जाए, मेरा टीएमटी करवाया जाए, ऑल विल बी परफेक्ट। ओके, इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ ये साइनस ब्रैडीकार्डिया इसको इस वजह से है, बिकॉज ही इज एन एथलीट। ओके, इसको साइनस ब्रैडीकार्डिया इस वजह से है, बिकॉज इसको कोई ना कोई हार्ट में डिसऑर्डर है।
ओके 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 नहीं वही है बिकॉज यस सर। मेरे हमारे साथ भी होता है बिकॉज हम इतनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह किए हैं, तो मेरी हाँ रेस्टिंग हार्ट बीट अराउंड 48-47 टाइप चली जाती है। वही वही एग्जैक्ट सेम, मेरा सर मेरा भी इतना ही चलता है। तो ऐसे ही मैं कहीं प्राइवेट में गया हुआ था, तो हमारे तो चलो फौज में तो लोग डॉक्टर्स को पता होता है कि हाँ भाई ये तो वो है तो इनका ऐसा कोई इशू। सर हाँ आप बाहर थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। भालू डर सर आपकी तो हार्ट रेट बहुत ही रेस्टिंग हार्ट रेट ये कम है, तो मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे यार। अच्छा सर फिर ठीक है सर। वही वही वही, क्योंकि इस कंडीशन में क्या आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, हाँ राइट कोई सिम्टम्स नहीं है, यू आर टोटली वेल। आपको कोई भी टास्क दिया जाए कि भाई अभी भागना है अभी चढ़ना है तो भाई चढ़ सकते हैं, राइट राइट नो राइट ट्रबल। अगर कोई किसी को हार्ट कंडीशन है, उसको साइनस ब्रैडीकार्डिया है, तो वो भाग ही नहीं पाएगा, राइट 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 उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है हार्ट में। राइट राइट और इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि लेट से कि कोई बच्चा देने गया है अपना मेडिकल एग्जाम, उस दिन थोड़ा घबरा गया, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गई, तो उसको कुछ तो मतलब इस बोल नहीं कंडीशन में, सकते हैं मेडिकल हाँ, एग्जाम। इस कंडीशन में कैसा, मैं भी गया था मेडिकल करवाने, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं भी बहुत नर्वस था। तो नॉर्मल है, मैं वही था कि सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आई वाज नर्वस। तो मेरा जब ब्लड प्रेशर चेक किया, इट कम आउट टू बी 150/100, तो मैं भी डर गया, मैं खुद डर गया कि यार। सो तो जो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला सर ने कि आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, मतलब ये हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा है एंड ये बीपी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका। मैंने कहा सर थोड़ा घबरा रहा हूँ, मैंने फ्रेंकली बोला कि सर मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। तो उस केस में सर ने बोला ठीक है, आप थोड़ा देर बैठिए, आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरा बाकी सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया, सब कुछ ठीक निकला। तो इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ओके ओके कि हाँ आप गए, आप नर्वस हुए तो आपका बीपी बढ़ गया। अभी भी अगर मान लो फोर्स पर्सनल मेरे पास अपना एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने आते हैं, तो उनका एट दैट टाइम बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके फिर ओके मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाइए शाम में अपना बीपी का वीडियो बना के भेजिए, तब उनका नॉर्मल आता है। सो इट्स नेचुरल, बिकॉज कोई आपको अंडरलाइन डिसऑर्डर नहीं है। ओके ओके तो उसमें केस में क्या है, वो सामने जो भी बोर्ड है उनको भी पता चल जाता है कि इज फिट एंड फाइन, सब कुछ ठीक आ रहा है। हाँ बीपी बेसिकली अगर बढ़ा हुआ है मतलब तो कहीं ना बेसिकली कहीं पूछ, नर्वस है। हाँ वही बेसिकली पूछते भी हैं आपको बीपी का इश्यू तो नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, तो बोलते ठीक है आप रेस्ट करो हम दोबारा करेंगे, आपको आराम से पहले रिलैक्स हो जाओ। यस 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 डेफिनेटली यस नहीं तो इसमें बेसिकली वही है कि कैंडिडेट्स के लिए कि वहां जाएं तो नर्वस ना हो। राइट देखो सर, अब कहीं ना कहीं इट्स अ साइकोलॉजी, हम भी कहीं जाएंगे नर्वस होंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम बोल सकते हैं कि हाँ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, वो कभी नर्वसनेस नहीं होता। अब तरीके हैं लोगों के दिखाने के, कोई नर्वस दिखता है, कोई उस राइट नर्वसनेस को पी जाता है। तो राइट मान राइट लो मुझे भी ये पॉडकास्ट करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस था, बट ये है कि अब लाइफ लॉन्ग इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, तो लाइफ के साथ साथ आप एक यूज टू हो जाते हो, तो राइट नर्वसनेस का जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है। राइट राइट मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब शायद जब मैं पहली बार मेडिकल के लिए गया था तो मैं भी थोड़ा नर्वस था, बट वो पॉइंट नहीं है। बट उसके बाद जब हमारा तो ईयरली फिर ईएमईज होते हैं, वहां तो कभी नर्वस हुई नहीं, हम सीधा डॉक्टर से मिले हाँ वो एक यूज टू हो जाता है, और वही वहां। टास्क अब जो बार बार करते हैं ना, उसमें आप राइट परफेक्ट होते जाते हैं और नर्वसनेस खत्म हो जाती है। राइट वो फर्स्ट उसमें ही थोड़ा सा रहता है, बट कोई नहीं स्टिल मतलब आयल से कि नर्वस ना होइए और इस चीज को एज अ नॉर्मल लेके चलिए, कोशिश करिए पूरा। हाँ, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। नाउ कमिंग टू दीज स्वेटी पाम्स, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट बनता है राइट right? सर इसके लिए मैंने टू बी फ्रैंक एंड जेन्युइन बहुत रिसर्च करी, क्योंकि मेरे पास आप मेरे यूट्यूब पे भी देखेंगे इतने डाउट्स मेरे को आ रखे हैं ये स्वेटी पाम्स के। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा यूट्यूब, मैं एक्चुअली सर यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोस इसलिए नहीं बनाता, बिकॉज एक तो सर लैक ऑफ टाइम। अब यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या, आप बैठे आपने शूट किया, रिकॉर्ड उसमें किया आपको सिर्फ 30-40 सेकंड का शॉर्ट है, उसमें आपने हल्की सी एडिटिंग कर ली, अच्छा है। राइट अब राइट लॉन्ग वीडियो में आपको एडिटर भी चाहिए, तो आपके पॉडकास्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट अगर मेरी वीडियोस चाहता है कि बनती रहे, लॉन्ग वीडियोस भी आए, तो कोई मेरी वीडियोस अगर एडिट करते तो मैं लॉन्ग कंटेंट बनाने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स ही चल रहा है। तो राइट ये राइट रीजन है कि मैं लॉन्ग वीडियोस थोड़ा कम बनाता हूँ। शॉर्ट्स क्या है कि एक तो जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए मैंने इसका जो स्वेटी पाम्स है, तो मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया था। ओके अच्छा अब उसमें क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सीन है कि आज मेरा पॉडकास्ट है, ठीक, तो एक हल्का बहुत स्वेटिंग आएगा, ओके मतलब माइल्ड, एक माइल्ड नर्वसनेस की वजह से क्या है कि आपका जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है बॉडी का, वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होगा, आपको ट्रेमर्स भी होंगे, स्वेटिंग भी होगा, तो एक राइट राइट सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये सब सिम्टम्स होते हैं। राइट 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 अगर आपको माइल्ड है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, दैट्स माइल्ड हो रहा है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक। अगर आपको सीवियर है कि आप घर पे बैठे हैं, नॉर्मल पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है,
बट आप देखा तो आपकी एकदम जो आपने शर्ट पहनी टी शर्ट पहनी गिली हो गई, तो इन दैट केस दैट्स अ प्रॉब्लम। उस केस में क्या फिर आई विल सजेस्ट कि एक सर्जरी होता है लंबर सिंपैथेक्टमी, उससे ये प्रॉब्लम मान लो 99% क्योर हो जाती है। अच्छा, ये क्योरेबल है। बट हाँ, बट अगर नर्वसनेस, अगर आपको नर्वसनेस की वजह से हो रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ कि ये कि आपको कोई डिसऑर्डर है या आपको कोई डिसीज है, इट्स नॉर्मल। वो तो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है, उसमें तो आप क्या करोगे, वो नेचुरल बॉडी का नेचुरल रिएक्शन। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं है इसके ऊपर। ओके ओके, यस सर। स्वेटिंग पाम्स को लेकर ओके ओके। और इसका क्या है, लेट्स से कि किसी की कुछ उंगली कम हो या किसी की 6 उंगलियां हो उसमें? इसका भी सर मैंने अभी एक लेटेस्ट वही YouTube शॉर्ट भी डाला था। ओके, हमारे हैंड्स में 10 फिंगर्स। ओके, सिंपल, 5 इधर 5 इधर। दो कंडीशन देखी जाती है, वन इज पॉलीडेक्टाइली, सेकंड इज सिंडेक्टाइली। ओके, अब इसको एक सिंपलीफाइड वे में बोलता हूँ, पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब पॉली नंबर्स, पॉली मतलब ज्यादा। अगर आपको पॉलीडेक्टाइली है, लाइक आपका एक्स्ट्रा थंब हो गया या एक्स्ट्रा फिंगर यहाँ निकल गई, मतलब 6 हो गई, या थंब भी हो गया, फिंगर भी होगी, मतलब 7 हो गई, मतलब अगर एक्स्ट्रा फिंगर्स है, दैट इज पॉलीडेक्टाइली, तो इस केस में यू आर रिजेक्टेड। अच्छा, ठीक, आपकी 5 ही होनी चाहिए। ओके, लाइक अगर हम बात करें ऋतिक रोशन की, उसमें मैंने ये स्पेशल फोटो भी लगाया है, ही इज मेडिकली फिट एंड फाइन, बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एग्जाम बिकॉज उसका एक एक्स्ट्रा थंब है। एक्स्ट्रा थंब है, तो वो अच्छा, वो फिट होगा ही नहीं। कोई ऑपरेट करा के तो उसको? हाँ, ऑपरेट करा के अगर अच्छा, अगर मान लो अच्छी सर्जरी हुई है, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, उसका कोई स्कार मार्क नहीं है, उसका जो थंब का मोबिलिटी है बहुत अच्छा फाइन है, देन इट्स एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो दिस इज पॉलीडेक्टाइली। अब आते हैं सिंडेक्टाइली। सिंडेक्टाइली में क्या है, देयर इज फ्यूजन, मतलब जैसे ये मेरी दोनों फिंगर से जुड़ जाएगी। अच्छा, ये दोनों एक हो जाएगी, या ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे, दैट इज सिंडेक्टाइली। ओके, पॉली में फिंगर्स ज्यादा, सिन में फ्यूजन, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ऑपरेट करा लो तो ठीक हो, फंक्शनिंग ठीक हो तो आप देन यू आर फिट। हाँ, फंक्शनिंग आपका अच्छा है, आप अच्छे से, आपका ग्रिप अच्छा है, मोबिलिटी अच्छी है, फिंगर्स की मूवमेंट अच्छी है आफ्टर सर्जरी, देयर इज नो स्कार टिश्यू, देन इट्स एक्सेप्टेबल। ओके, तो मेरा ना इसमें एक वो है, मतलब काफी एक वैसा क्वेश्चन है कि मैंने देखे भी इंसिडेंट, कुछ लोगों की उंगली कट गई किसी एक्सीडेंट से, चाकू से ऊपर से कट गई, या किसी इंसिडेंट में मतलब आधी फिंगर मतलब चली गई, तो इज इट एक्सेप्टेबल? उस केस में सर क्या है, इट्स अ वेरी वेरी अगेन ए गुड क्वेश्चन। तो इस केस में क्या सर, अगर आपका टर्मिनल फैलेंक्स, मतलब ये टर्मिनल फैलेंक्स आपका कट गया, बट अगर आपकी बोन एकदम अंदर से अच्छी है, तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लो कि मेरा बोन भी चली गई थोड़ी सी, तो हाँ, आपका उस केस में सर क्या है कि मान लो अगर आपका ये आपका ट्रिगर फिंगर है, हाँ, अगर आपकी ये बोन ही चली गई, आपका ये टर्मिनल फैलेंक्स ही कट गया, आप कैसी गन चला पाएंगे? नहीं, चलो ट्रिगर फिंगर नहीं, मैं कहता हूँ कि ये रिंग फिंगर ही चली गई। सर उस केस में सिंपल सा कंडीशन है कि टर्मिनल फैलेंस वाला अलाउड है। अच्छा, सिंपल है, बस सभी के लिए। ये जो आपकी फिफ्थ फिंगर है ना, इसका अलाउड है। ओके, बाकी किसी का अलाउड नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ, इसका क्योंकि क्या, इसका इतना यूज नहीं है। ओके ओके, यूज आपका इनका है। ओके, ये इसका इतना यूज आ नहीं रहा, इसका एक्सेप्टेबल। इसका सिर्फ इसका, वो भी ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, मतलब बोन जाएगी तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, मतलब कहने को कहते हैं कि बोन अगर चली गई, आपका टर्मिनल फैलेंस पूरा कट गया, कि सिर्फ आपके ये डिस्टल फैलेंजेस रह गए, प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2/3, आपका जो एकदम डिस्टल वाला है वो एकदम बोन चली गई, ये लास्ट वाली मूवमेंट है नहीं इसमें, मूवमेंट इसमें है नहीं, ये भी उठ गया, तो मैं कहीं ना कहूंगा दैट्स अ केस ऑफ रिजेक्शन। ओके, कि हाँ, स्किन आपका लॉस है, आपने स्ट्रेचिंग करा के ठीक करवा लिया तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं डिपेंड्स करता है कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स में भी, कि हाँ वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आपका बोन ही नहीं है। ओके, एक मतलब मेरे मेडिकल के टाइम में, नहीं मेडिकल टाइम में नहीं, मैं एक बार रिक्रूटमेंट के उसमें था, तो वो जवानों की भर्ती चल रही थी, उनका फिजिकल था, तो एक जवान था, उसकी सारी फिंगर्स ठीक थी, बस ये जो ट्रिगर फिंगर थी ना थोड़ी सी छोटी थी, मतलब जैसे हमारी छोटी है नो डाउट, और उसके जैसे मेरी हाइट है तो उसकी यहाँ तक थी ये, ठीक है, मतलब पूरी फिंगर थी पर छोटी थी, ये इसमें बहुत वो कम बनता था, रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्ट हो जाएगा सर, डेफिनेटली। वही मैं बोल रहा हूँ कि इस पे थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, इस फिंगर पे नहीं, ये तो चलो कट हो गई थी, ये नेचुरली उसी छोटी थी, नेचुरली, तो ये इस केस पे भी सर नॉट, वही मैं बोल रहा हूँ कि इस पे अगर आपका ग्रिप अच्छा नहीं है,
मतलब एट द एंड ये क्या इनका यूज क्या है आपका ग्रिप के लिए, आपको कल को ऊपर चढ़ना है, आपको रॉक क्लाइंबिंग करने के काम होते हैं, ग्रिप के पूरे हाथ फिंगर चाहिए होते हैं, ग्रिप नहीं है, आपकी मूवमेंट अच्छी नहीं है, आपकी फिंगर्स छोटी रह गई, तो ये सारे जो काम है आपके डेली रूटीन के वो हैम्पर हो जाएंगे। ओके जो आपको डेली टास्क मिलते हैं वो भी आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो दैट्स द रीजन कि आपकी फिंगर्स अच्छे से देखी जाती है। ओके यस ओके अच्छा, नाउ कमिंग टू टैटू पार्ट। टैटू के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन है सर। मेरे यहाँ भोले बाबा की फोटो बना रखी है, मैंने बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखवा रखा है, या मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या है कि मतलब कितना एक्सेप्टेबल है, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्टेबल है, कितना बड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं, तो क्या है उसके लिए? आज सुबह सर मैं वही सुबह उठा तो सबसे पहले एक कमेंट यूट्यूब पे यही आया हुआ था टैटू का ही, तो कोई एक फीमेल कैंडिडेट है उसने मुझे कमेंट किया हुआ था कि उसके कुछ ये बैक ऑफ द एल्बो टैटू है छोटा सा है। ओके तो मैंने कहा चलो एक बार पॉडकास्ट में क्लियर करते हैं इस कंडीशन को। तो सिंपल चलते हैं, बिल्कुल सिंपल, जो लोगों को एकदम डाउट्स है उसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। अगर मान लो मेरे फेस पे टैटू है, अच्छा रिजेक्शन, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी, फेस पे रिजेक्शन, ओके, आपके ये नेक पे रिजेक्शन, बिकॉज आप एक डिसिप्लिन फोर्स में आ रहे हैं, तो कोई विजिबल उसमें एरिया में होगा रिजेक्शन, वो रिजेक्शन है सर, टू बी फ्रैंक एंड जेन्युइन। इधर हाथ ये भी मैं ये भी बोलूंगा हैंड्स वाले भी रिजेक्शन है, ये भी आपके विजिबल पार्ट्स है। ओके ओके ओके, बट उसके बाद एक कंडीशन आई कि दिस इज आवर इंडिया, एक रिलीजियस कंट्री है, तो कईयों ने अपना कोई गॉड के टैटूज, उनका नाम ये वो, तो फिर एक ऑर्डर निकला। बट ऑर्डर निकलने से पहले, इस बात पे आने से पहले एक चीज और बताता हूँ जिससे रिजेक्शन है, कोई आपका डिफेंसिव या कोई डिफेंसिव टैटू है, कोई एंटी नेशनल टैटू है, तो वो भी रिजेक्शन है, चाहे फिर वो उसको जो भी कंडीशन है उसको क्लियर करे या नहीं करे। अच्छा, मतलब टैटू का मीनिंग गलत आ रहा है तो वो यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड। ओके ओके, कोई ऐसा स्लोगन तो नहीं है, कोई एंटी नेशनल स्लोगन तो नहीं है, कोई ऑफेंसिव टैटू तो नहीं है, तो ये सब रिजेक्शन है। ओके ओके ओके, फिर उसके बाद एक ऑर्डर निकला कि अब टैटूस क्या है, कुछ लोगों के बचपन में माँ बाप ने टैटू बनवा दिया भगवान जी का, ठीक, तो उस केस में क्या सर, अपना जो हम सल्यूट करते हैं वो इस हाथ से करते हैं, तो इस हाथ में तो टैटू होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर यह भी आपका टैटू है, आई विल सजेस्ट कि गो फॉर ए लेजर ट्रीटमेंट, उस टैटू को आप हटवा लीजिए। नहीं पढ़ू निशान तो नहीं, नहीं वो एक्चुअली सर उसमें क्या है, टाइम है कि हील हो जाता है। अच्छा, हील हो जाता है तो राइट हैंड वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दैट्स योर सैल्यूटिंग हैंड। अगर आपके लेफ्ट हैंड में टैटू है, दिस वन लेफ्ट हैंड स्पेशली अगर अंदर की तरफ, दैट्स योर फ्लेक्सर पार्ट, दिस इज एक्सटेंसर, दिस इज फ्लेक्सर पार्ट, अगर आपके फ्लेक्सर पार्ट में टैटू है, दैट शुड बी 1/4 ऑफ योर टोटल लेंथ, मतलब आपकी एल्बो से लेके आपकी हैंड तक 10 सेंटीमीटर है लेंथ, तो इसका 1/4 हुआ 2.5 सेंटीमीटर, उससे बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर टैटू अगर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज अलाउड। ओके, अगर उससे बड़ा है तो दैट्स नॉट अलाउड एट ऑल। ओके, तो मैं यही एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए टैटूज को। टैटूज का कहीं ना कहीं देखा जाए रिस्क भी है, रिस्क भी है, वो मतलब मिडल सेकेंडरी हो गया, देन उसके अलावा एचआईवी एंड दिस एंड ऑल, कि यू शुड अवॉइड। ओके, और अंदर बॉडी पे हो कहीं जहां मतलब कवर्ड है जहां, हां उसमें भी सर ये है कि अगर मान लो इतना पूरा बॉडी ही टैटू है, लाइक आवर रेसलर्स WWE रेसलर्स, तो आई थिंक दैट्स नॉट अलाउड एट ऑल। हमने छोटा बनवा रखा है लाइक किसी, हां छोटा, हां छोटा है कि आपका दिख नहीं रहा। ओके ओके, अगर जैसे मैंने अभी शर्ट पहनी है, मेरा मान लो यहां टैटू है, ओके, वो किसी को नहीं नजर आ रहा, तो दैट्स ओके, छोटा बड़ा चल जाएगा, छोटा बड़ा, एंड दैट टू ऑफ मतलब कुछ उसका सिग्निफिकेंस हो, मतलब गलत भी एंटी नेशनल और हां कोई गलत ना हो। ओके ओके, बट जो मेन जो रूल कहता है कि वो लेफ्ट हैंड पे अंदर की तरफ 1/4 आपका जो डिस्टेंस है उसका, वो एक्सेप्टेबल है। ओके ओके ठीक, सो नाउ कमिंग टू वन मोर एस्पेक्ट जो है कि लाइक कि हर्निया, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, लोग कहते हैं मुझे पाइल्स है सर, मैं फिजिक मेडिकल क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, हर्निया है तो इसमें कैसे है, मतलब क्या है सर? बेसिकली हर्निया और वेरिकोस, पहले वेरिकोस वेन पे आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये, इस पे बहुत ही डाउट्स है लोगों को।
सर वेरिकोस वेन का जो ट्रीटमेंट है ना, जो हम कहते हैं कि हमने वेरिकोस वेन की सर्जरी करवा ली, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि हमने जो 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 वेन्स आपकी फूल रही है उनको आपने हटवा लिया। अच्छा, मतलब मैं एज ए सिंपल, ये तो उसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में स्ट्रिपिंग ऑफ वेन्स। ओके, जो जो आपकी वेन्स आपकी वेरिकोस वेन में जो आपका लोअर लिम में वेन्स फूल रही थी आपने उनको निकलवा दिया, आपकी सर्जरी हो गई। ओके, बट वो आपने कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करवाई है। बिल्कुल, जो आपका बेसिक डिफेक्ट है वो रहेगा रहेगा। अच्छा, और बेसिक जो उसका बेसिक डिफेक्ट है उसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो उसमें क्या है रीअकरेंस के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए वेरिकोस वेन अगर आपका अनऑपरेट आपने ऑपरेट करवाया है या आपने ऑपरेट नहीं ऑपरेट करवाया या ऑपरेट नहीं करवाया, यू आर रिजेक्ट। अच्छा, है तो रिजेक्टेड बिकॉज यू कांट चेंज द बेसिक डिफेक्ट। नहीं, दैट इज ओके, बट एक होता है ना किसी में ज्यादा है किसी में कम है। सर फिर उसमें वही बात आती है, मान लो जैसे मेरी, मैं जैसे आई एम मोर इनटू बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग, तो जैसे मेरी लेग्स की वेन थोड़ी थोड़ी विजिबल होती है, तो उस केस में क्या है मेरा एकदम कोई मुझे डिफॉर्मिटी नहीं है, मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई क्रैम्प्स नहीं है मेरी लेग्स में, और जो वो स्पेशल दिखती है टॉर्चरस वेन ऐसा नहीं है, विजिबल वेन इज ओके, वो तो अच्छा है बिकॉज आपका फैट कम है। जैसे हैंड्स में वेन दिखता है, हैंड्स में दिखती है वो सब, हाँ वो दैट्स ओके दैट्स नॉर्मल। अगर आप, बट अगर आपको वेरिकोस वेन है, ओके ओके, तो आप मानिए कि दैट्स रिजेक्शन, टोटली रिजेक्शन। ओके ओके, तो चाहे वो कम है ज्यादा है वो दैट इज रिजेक्शन। हाँ, उस केस में क्या है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैं लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि गो फॉर ए अपना डुप्लेक्स स्कैन, जो एक डॉपलर स्टडी होती है, आप अपना लोअर लिम्स का डॉपलर स्टडी करवाइए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे वेरिकोस वेन नहीं है, मेरी है या नहीं है, मेरी वेन्स अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, एवरी ब्लड फ्लो इज परफेक्ट और नॉट, एवरीथिंग। ओके ओके, एंड सेकंड इज हर्निया। हर्निया केस में क्या है सर कि देयर इज डिफेक्ट इन योर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल और इनगॉइनल, राइट राइट, तो जिस वजह से क्या है जो आपके एब्डोमिनल के या पेल्विक का कंटेंट्स है वो प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं, तो वो एक अलग से स्वेलिंग दिखती है, वो दिख जाता है राइट, जब आपके वो दिख जाता है, कपड़े उतरवा के चेक करते हैं जब ना। हाँ, वो एक कफ रिफ्लेक्स, एक कफ रिफ्लेक्स टेस्ट है कि आपको कफ करना होता है, वो स्वेलिंग दिख जाती है अच्छे से। हाँ, वो पकड़ के। हाँ हाँ हाँ, तो उस केस में क्या है, अगर आपको हर्निया है तो लॉन्ग टर्म में ये है कि आपको रीअकरेंस के चांसेस हो सकते हैं। अगर हर्निया आपको डिटेक्ट हो गया ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक। बट अगर आपने पास्ट में आपको हर्निया था, आपने उसको ऑपरेट करवा लिया, आपका जो पोस्ट रिकवरी पीरियड था वो भी आपने पूरा टाइम निकाल लिया, अभी आप एकदम हेल्थी है, एकदम फिट एंड फाइन है, तो देन इट्स एक्सेप्टेबल। ओके, मतलब पोस्ट सर्जरी आप फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, देन यू गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। हां, कोई दिक्कत नहीं। और आई थिंक ये सेम केस हेमोरॉइड्स और पाइल्स के, उसमें भी होगा राइट? हां, उनका भी सेम यही केस है सर। मतलब वेरिकोस वेन का तो स्ट्रिक्टली यही रूल है जो मैं बोलूंगा, रिजेक्शन रिजेक्शन है, बाकी ये जो हर्निया है, पाइल्स है और हेमोरॉइड्स है, इनका तो टेंपरेरी रिजेक्शन है, आपका रीमेडिकल होगा, दोबारा आके आप हो सकता है। यस, ओके ओके ओके, राइट। बट सर अभी एक नया रूल निकला है कि अभी रिव्यू में टाइम नहीं मिलता है। मतलब कितना टाइम मिलता है? नेक्स्ट डे रिव्यू होता है। लेट्स से यार किसी का ओवरवेट है, तो उस केस में? सर उस केस में वही है सर, अगर आपका ओवरवेट आप एक दिन में तो कम कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर आप अनफिट आउट। इस बार सर यही हुआ था, जो मेडिकल ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट था उसमें नेक्स्ट डे ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड था यार, उसमें कई कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए नेक्स्ट डे ड्यू टू 5 kg, 7 kg, 8 kg ओवरवेट। बड़े ये तो गलत रिव्यू के मेडिकल का फायदा ही क्या हुआ ना सर? एक्चुअली क्या था, वो पहले था क्या रिव्यू में, जैसे मैं आई वाज आल्सो अनफिट ड्यूरिंग माय टाइम, तो कुछ मेरा वेट थोड़ा था ज्यादा 10 kg, तो मैंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, मुझे 2 months के बाद बुलाया। ऑब्वियसली मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया, उस हिसाब से मैंने अपना डाइट रूटीन चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया और ज्यादा वर्कआउट किया, तो मैं रिव्यू के टाइम पहुंच गया। बट अब ये चीज नहीं है, तो ये नेक्स्ट डे ही नहीं, ये जो स्पेसिफिक आप केस बता रही है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है या सभी सीएम? जनरली अभी मैंने कांस्टेबल्स का भी देखा है ऐसा, जो कांस्टेबल का भर्ती हुआ है उनका भी नेक्स्ट डे ही रिव्यू हो रहा है। तो यार ये तो नेचुरल जस्टिस को तो डिफाई कर रहा है, तो रिव्यू आप किस बेस पे ले रहे हो? रिव्यू किस केस में दिया जाता है ताकि आप अपना कोई भी कुछ ऑपरेट कराना है या कुछ का वेट कम करना है, तो तभी तो वो होगा राइट? इस केस में सर क्या हो रहा था कि जो अपना भर्ती थी ना सर, उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था,
ओके मतलब रिजल्ट एक एक साल से पेंडिंग पड़े हैं, कब रिव्यू होगा, कब कंपाइलेशन होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कम्बरसम प्रोसेस हो गया था बहुत ज्यादा रिजल्ट निकालने में, तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन हो सकता है, बट ये आई रीजन मैंने पढ़ा भी है। डोंट थिंक सो कि ये सीए पे एसी के लिए इतना होगा कि बिकॉज़ ये तो साल में एक ही बार होता है और इतने लोग होते भी नहीं इसमें। इसका सर मुझे एक बार कंडीशन देखना पड़ेगा कि हाँ इस केस में ऐसा है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका एडवर्टीजमेंट होगा उसमें लिखा होगा कि रिव्यू इज कंडक्टेड ऑन द सेम डे और यू विल गेट द टाइम। नहीं जहां तक मुझे पता है कि शायद ऐसा तो नहीं है, बट कोई नहीं, मैं स्टिल आई विल चेक इट। कोई नहीं, यस थैंक यस फॉर द तो इन्फो इसके लिए, मैं चेक। इसीलिए मैं अब जितने भी कैंडिडेट्स को यही बोलता हूँ कि भाई पहले ही फिट होके जाइए, जो भी आपको सर्जरी करवानी है, जो भी आपको ऑपरेट कराना है, मतलब आप सब कुछ करके ही जाइए, आप नहीं रिव्यू के भरोसे मत बैठिए। वही वही मैं तो अपने वही सेम मतलब मैं भी ये करता हूँ कि वाई आर यू वेटिंग, कि आपको मेडिकल हो तब आप वेट कम करोगे, आप अभी से वेट कम कर लो अपना। हाँ मैं भाई अब वही है ना कि डॉक्टर भी हो सकता है चलो आपको बोल दे कि 30 दिन बाद आ जाना 10 kg वेट कम करके, वो पता कितना अनहेल्दी हो जाता है 30 दिन में 10 kg वेट कम करना। कह डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत एक्टिव है रहे सर, कि आप बहुत। अभी से कम कर लो उसको। हाँ, तो चलो ये ठीक कंडीशन है सर। है ठीक है ओके। और कोई आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज आती हैं, मतलब आउट ऑफ बॉक्स की लोग पूछते हैं? आउट ऑफ बॉक्स सर अपना एक ये प्रमोशन के बारे में बहुत आता है सर, नहीं प्रमोशन तो नहीं, मैं तो मेडिकल रिलेटेड पूछ रहा हूँ। मेडिकल रिलेटेड। हाँ मेडिकल रिलेटेड, इसके अलावा एक तो ये टैटू वाला हो गया, देन ये हर्निया का हो गया, नॉक वेरिकोसील हो गया, नीज, वेरिकोस नॉक नीज, वेन, नॉकनीस, देन उसके अलावा सर ये डीएनएस, अच्छा डीएनएस का सबसे ज्यादा ये इट्स लाइक कह सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी में या इंडिया में बोल सकते हैं कि डीएनएस हर एक में सब, अगर आप 10 कैंडिडेट्स उठाओगे तो 4 या 5 कैंडिडेट्स को माइल्ड डीएनएस मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। मुझे भी माइल्ड डीएनएस है टू बी फ्रेंक एंड जेनुइन, कि मैं भी जब उस टाइम एग्जाम हुआ तो सर ने बोला कि यार आपके जो इनका सा माइल्ड डीएनएस दिख रहा है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है? मैंने सर आई एम टोटली वेल, आपको कभी कोई इन्फेक्शन होता हो या बार बार कोल्ड का? मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उससे उनको रूल आउट हो गया कि माइल्ड है, तो उन्होंने बस लिख दिया कि हाँ माइल्ड डीएनएस प्रेजेंट। ओके 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 हाँ तो मेन ये माइल्ड डीएनएस और पेटेंट एयरवेज अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके आप तो मेरा एक ये सवाल है कि आपकी तरफ से ऐसे कोई मिसकंसेप्शन जो जो स्टूडेंट्स हैं जब मेडिकल के लिए अपीयर होते हैं वो लेके जाते हैं मिसकंसेप्शन, ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शन है जो नहीं होने चाहिए? उसमें सर मिसकंसेप्शन तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि ये जो मैंने पहले भी बताया था अभी लेजिक वाला, अच्छा कि मैंने अच्छा आज लेजिक सर्जरी कराई और कल मैं मेडिकल में फिट हो जाऊँ, ओके ओके तो ऐसा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत रखिए कि मैं लेजिक करवा के कल ही मेडिकल में जाऊंगा और मैं फिट हो जाऊंगा, ठीक है फर्स्ट। सेकेंड इज कि कभी कभार कैंडिडेट्स अपन लाइटली ले जाते हैं कि मेडिकल लाइट होगा, मेडिकल लाइट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, बहुत माइन्यूट टू माइन्यूट आपका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो आप उसको लाइटली आप मत लीजिए। जो भी आपका डिसीज या डिफॉर्मिटी है, हो सके आप उसको करेक्ट करा कर ही जाए। थर्ड बिल्कुल बिल्कुल इज थर्ड इज कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन एट दी अपना मेडिकल एग्जामिनेशन वेन्यू। कभी कभार कुछ कैंडिडेट्स दिखते हैं वो इनडिसिप्लिन होते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूर से पता चल जाता है कि दे आर जस्ट कि वो वैसे ही आए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी सोफेस्टिकेटेड, यू हैव टू बी वेरी जेंटल, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग ए एलीट फोर्स। नहीं, वो है। उसके अलावा ये भी है कि क्या होता है कि डॉक्टर्स ऐसा नहीं कि आप ही के लिए बैठे होते हैं, वो नॉर्मल पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं, साथ साथ आपको भी देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर अब देखो हम मेडिकल करने जा रहे हैं, मेडिकल बोर्ड में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यूनिट को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस दिन का तो हमारा पूरा वर्क जो हमारे पेशेंट्स था, तो हम उनको ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अपने बैकलॉग बन स्टाफ जाता के है, भरोसे। शाम को आएंगे साहब, शाम को देखेंगे। हाँ फिर शाम को देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो जाती है डेली रूटीन, तो फिर अगर मेडिकल में जाके वही क्योस हो रहा है, वही सब हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को। राइट 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 यस सर। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग मतलब व्हाट आर मतलब फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट आर सम सजेशन यू वांट टू गिव कि बच्चों को ऐसे ऐसे अपने उसके मेडिकल के लिए तैयारी करके जाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए भी मैंने अभी 2-3 शॉर्ट्स अपने डाले हैं यूट्यूब पे, मैंने कुछ 5 एक्सरसाइज बताई है अपने एक यूट्यूब शॉर्ट में जो आपको डेली करनी है इफ यू आर गोइंग फॉर ए फिजिकल और मेडिकल। ओके फर्स्ट इज रनिंग, ठीक, डेली आपको 30-45 मिनट्स जितना आपका स्टेमिना, आपको रनिंग करनी है। देन यू हैव टू डू पुशअप्स, सेकेंड। देन यू हैव टू डू प्लैंक फॉर द कोर। राइट देन यू हैव टू डू अपना ये स्क्वैट्स,
और योर थाई मसल एंड लेग मसल्स, ताकि आपका स्टेमिना बढ़ेगा। राइट एंड फिफ्थ आपका जो मैंने पहले भी बताया स्ट्रेचिंग, वो जरूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल, ये ना हो कि आप डेली रनिंग कर रहे हैं आपने स्ट्रेचिंग करी नहीं और लास्ट दिन जिस दिन आपको जाना है उस दिन आपको क्रैम्प आ गया। क्रैम्प आ गया, राइट। तो इसीलिए डेली आपको स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। राइट राइट बिल्कुल। एंड उसके बाद जो मैं कहना चाहूंगा आपको, बीएमआई, बीएमआई आपका नॉर्मल 18 to 25, बिल्कुल उसके रेंज में होना जो एक्सेप्टेबल है, तो उसी की रेंज में आप अपना बीएमआई रखिए। आप रिव्यू का वेट मत कीजिए कि हाँ मैं अभी चले जाता हूँ, रिव्यू में मुझे टाइम मिल जाएगा। अभी रिगार्डिंग सीएपीएफ एसी कैंडिडेट्स कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट मैंने पढ़ी नहीं उसके रिगार्डिंग कि नेक्स्ट डे है या नहीं है, वो एक बार प्लीज आप देख लेना सर। देन डाइट को लेकर, डाइट को लेकर बहुत डाउट्स है लोगों को। डाइट ऐसी ले जो हेल्थी हो, सेकेंड प्रोटीन रिच हो। अब उसको और सिंप्लीफाइड वे में कर देते हैं। सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद करना है, ठीक, घर का खाना खाना है। घर के खाने में आप अपना जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसको ऐड करें। देन जितनी भी आपकी ये दाल हो गई, जितनी भी दाल राजमा हो गए छोले हो गए, ये ऐड करना है। देन उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इट्स बेटर टू गो फॉर एग्स, बॉइल्ड एग्स, चिकन। अभी चिकन भी नहीं कि हाँ आपने चिकन बनाया तो उसमें 1 किलो बटर डाल दिया, इट शुड बी बॉइल्ड। अब मैंने भी अपने टाइम में जब रिव्यू होता था ऐसे किया मैं एकदम। अगर डाइट की बात करें, जब मुझे रिव्यू का टाइम मिला था लिटरली मॉर्निंग में आई वॉज टेकिंग ओट्स, साथ में ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी। मॉर्निंग में आई वॉज टेकिंग बॉइल्ड चिकन विद अगेन ब्लैक टी ब्लैक कॉफी। देन शाम को आई वॉज डूइंग रनिंग, देन उसके बाद आई वॉज गोइंग टू जिम, देन रात में बॉइल्ड एग्स। कंटिन्यूसली 2 मंथ्स तक ये मेरा डाइट रहा था। आप समझ सकते हैं, कोई दूध नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, कोई स्वीट्स नहीं, इवन तक मैंने फ्रूट्स भी छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं उसमें शुगर कंटेंट होता है। फ्रूट्स भी छोड़ दिया। तो जब रिव्यू मेरा क्लियर हुआ तब मैंने अपना कह सकता कि एक वर्थ तोड़ा था मैंने। नहीं, वही है कि वेट लॉस की अपनी स्ट्रगल रहती है, बहुत डिफिकल्ट। बट कोई नहीं, मैं तो एस्पिरेंट से ही बोलूंगा, एक बार आप फोर्सेस में आ जाओ तब आपको दिक्कत नहीं रहेगी, वहां रहती है तो आप अपने आप ही चीजें, मतलब हेल्थ थोड़ा डाइट का ध्यान रखोगे, बाकी फिजिकल वगैरह काफी चलता रहता है तो नॉट एन इशू। फिजिकल के लिए आपके पास सर यहाँ पे है कि मैंने भी देखा है, बीइंग ए जैसे मैं सिविल में काम कर रहा था तो मैं आई वाज नॉट ठीक है, मतलब एज ए डॉक्टर मुझे अपनी हेल्थ को लेकर मैं कॉन्शियस था कि बट ये था कि हाँ मुझे कम खाना है, मेंटेन रखना है। बट बीइंग आफ्टर ज्वाइनिंग फोर्सेस मतलब मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ, अगर आप रात को 10:30 भी मुझे फोन करेंगे ना कि हाँ डॉक्टर साहब आप कहाँ है, तो मैं आपको जिम में मिलूंगा। ठीक, रात को 10:30-11 बजे भी हाँ मैं अपना बेंच प्रेस कर रहा हूँ, कल रात भी मैं वही जिम में था। शाम में फोन करेंगे आफ्टर जो भी, मतलब हमारा एक रूटीन है, ऐसा नहीं कि हम काम की छोड़ के अपना ये सब कर रहे हैं, एक रूटीन है। फिर इवनिंग टाइम में आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, कहीं ना कहीं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, या कहीं ट्रैकिंग के लिए चले गया, या जॉगिंग के लिए। सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर, राइट राइट, इट्स गुड आल्सो। और बीइंग ए डॉक्टर क्या है कि आपका फिट रहना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप फिट नहीं तो आपके ट्रूप्स कैसे फिट होंगे, वो तो बोलेंगे हमारे डॉक्टर फिट नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, बीइंग ए डॉक्टर यू हैव टू बी फिट। बिल्कुल यार, बिल्कुल, बहुत फिजिकली एंड मेंटली। बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक हमने काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यस यस यस, डेफिनेटली सर। बाकी एंड में मेरी तरफ से ये मैसेज है कि बाद में चीजों को ना टालें, जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है आप उसको वहीं पहले सॉर्ट आउट करके जाएं, चाहे वेट है, ये जो कुछ करके दवाई लेके कुछ ठीक होएंगे तो पहले इसको ठीक करके जाएं। बाकी यही है कि मेरी तरफ से भी और डॉक्टर समर की तरफ से भी, हेल्दी खाइए और फिजिकल वर्कआउट करते रहिए। हाँ, बाकी मैं एक लास्ट में एक चीज बोलूंगा, डॉक्टर समर प्लीज आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं ताकि कैंडिडेट्स आपको भी अप्रोच कर सकें, मतलब आपका जो कंटेंट बना रखा है तो उसको देख सकें। हाँ सर, एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल है, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर समर सनम, इट्स लाइक DRSAMARSANAM, डॉक्टर समर सनम, डॉक्टर समर सनम। ओके, तो इतना तो है कि आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं नजर आ जाऊंगा, तो इजिली आपको मिल जाऊंगा। नहीं नहीं, गुड है, गुड है। मेन सर मेरा यूट्यूब पे और ये सब डालने का कंटेंट ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया था सर, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कोई बताने वाला नहीं मिथ्स थे, तो कोई बताने वाला नहीं था। फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया नहीं था, कम था,
तो बस उस चीज को लेकर मैं चल रहा हूँ कि हाँ किसी की हेल्प हो जाए तो क्या उसमें गुनाह क्या है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। और एंड इवन दूसरा जो मेरा ये कि थोड़ा मैं रिप्लाई लेट देता हूँ बिकॉज जो मैसेज है उनका फ्लो बहुत ज्यादा है, बट मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। तो आप कभी भी देखेंगे मेरे रिप्लाईज इंस्टाग्राम पे भी, मैं ईच एंड एवरी, क्योंकि आप उस चीज को लेके, आप अगर मान लो उस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को लेके आप ईगो नहीं ले सकते, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको हेल्प ही करना है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल एंड दैट्स व्हाई सर आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। मैंने उसी बिल्कुल टाइम झट से बोला कि यस सर नहीं कि नहीं आई एम बिल्कुल, अवेलेबल। मेरा तो वही था कि क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब मुझे काफी चीजों के बारे में पता है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें के बारे में नहीं पता मुझे, तो बेटर है कि कोई एक्सपर्ट है उसी से पूछा जाए, रादर देन कि मैं कहीं गूगल करूँ किसी और अरे गहरे आदमी से पूछूँ, बेटर है कि राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही पूछा हो जाए, बात है कि यस नहीं। सर। तो नो वरीज, तो आई विल डू वन थिंग कि मैं जो डॉक्टर समर है उनके यूट्यूब और इंस्टा हैंडल दोनों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आपकी जो कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग मेडिकल फिजिकल आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो डॉक्टर समर से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या आई एम भेजिए ऑलवेज जरूर अवेलेबल। पूछिए, ठीक है ना। हाँ आई एम डॉक्टर ऑलवेज समर अवेलेबल। जितने अपने ट्रूप्स के लिए अवेलेबल है उतने आपके लिए भी अवेलेबल है, आई होप। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली, चलिए, आई किसी की हेल्प हो थिंक जाए तो सर सबसे बड़ी कमाई वही है किसी की, अगर हेल्प हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली बाकी सब एग्री, यही रह जाना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टोटली एग्री विद यू। सर, सो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर समर, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू सो मच बिजी सर, शेड्यूल आपने से मुझे टाइम इनवाइट किया निकाला। सर। हाँ नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने मुझे इनवाइट किया, जो भी मेरे व्यूज मैंने अपने रखे शेयर किए, तो थैंक यू सो मच टू यू सर। अरे नहीं यार, मेरा तो वही था कि बच्चों की हेल्प हो जाए, राइट, वो बिकॉज इशू क्या हो गया ना, आजकल इतनी मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन है ना, कोई किसी को कोई बता रहा कोई बता रहा, बेटर है कि एक सही चीज लोगों को पता चले, मेरा तो वो था, तो बेटर है कि मैं किसी ऐसे बंदे को लेकर आऊँ जो एक रेपुटेबल टाइप हो, अच्छी सही चीज बता सके। सो थैंक यू नहीं, फॉर थैंक दैट, यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्लेटफॉर्म सर, थैंक यू। थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन। बाकी आपके कोई भी डाउट जैसे मैंने पहले बताया है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर, और नहीं होगा तो विल कनेक्ट विद समवन ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। चलिए गाइस, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।